थर्मल डीकम्पोजिशन बाय हीट एनर्जी, फोटो डीकम्पोजिशन फोटोलिसिस बाय फोटोन की एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस, तो फर्स्ट क्या होगी, डीकम्पोजिशन इज ए केमिकल रिएक्शन। अगर हीट एनर्जी थी तो थर्मल डीकम्पोजिशन कहलाएगा। यही टॉपिक हमारा चल रहा है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इसको हम लोग थर्मोलिसिस भी बोलते हैं। कौन सी एनर्जी देंगे, लिसिस ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड को, वो थर्मल हीट एनर्जी देंगे, थर्मल एनर्जी देंगे। सेकंड फोटोलिसिस, फोटो डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन इसी को हम फोटोलिसिस मतलब ब्रेकिंग, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये केमिकल रिएक्शन है, लिसिस है। इसके एग्जांपल हमने लिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, खासकर इसका यूज होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलिटिक, बोथ वे यू कैन प्रोनाउंस इट, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ये सबको पता है, 9-10 से पढ़ा हुआ है। या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यहां रेडिएशन एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी देते हैं यहां पर, फोटोन मतलब रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पे हीट एनर्जी देते हैं ब्रेक करने के लिए। डीकम्पोजिशन इज प्रोसेस केमिकल रिएक्शन दैट रिक्वायर एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में दो, हीट एनर्जी की फॉर्म में दो, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबको पता है इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप, बैटरी लगाते हैं, एनोड और कैथोड लगाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस सबको पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इसका नाम इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। साउंड वगैरह से भी डीकम्पोजिशन होता है, पर वो साउंड से भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है, साउंड एनर्जी मिल जाती है, बट वो आपको काम नहीं आती है केमिस्ट्री में, तो एनर्जी मिलनी चाहिए। योर टॉपिक इज थर्मोलिसिस, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, बार बार डेल्टा लिख रहे हैं एरो के ऊपर, कोई दूसरी रिएक्टेंट नहीं है, बस एक ही रिएक्टेंट है सभी में। फोटोलिसिस के हमने एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिसिस के तो बतेरे एग्जाम्पल है। कौन ऐसा बच्चा है जो इलेक्ट्रोलिसिस जब वाटर की होती है तो ये नहीं पता हो कि एनोड पे O2 मिलता है और कैथोड पे H2 मिलता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये डीकम्पोज हो गया H2O प्लस O2 में H2O, ये शुड नो। NaCl अगर मोल्टन स्टेट में है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो Cl2 एनोड पे मिलता है Cl2 गैस, और कैथोड पे Na मेटल मिलता है कैथोड के ऊपर, ये सब इलेक्ट्रोलिसिस हैं। ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका एक हिस्सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ना ही होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ही होता है, ये तो बहुत ज्यादा काम आता है। जब एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो Al2O3, मेटलर्जी ऑफ आयरन में, ये सब ने 9-10 में भी पढ़ रखा है, 12th में भी होता है, ये बहुत बार पढ़ते हैं सभी बच्चे लोग। इलेक्ट्रोलिसिस तो आपको एल्यूमिनियम मिल जाता है और O2 मिल जाता है, इसमें Na3AlF6 ये सब भी ऐड करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम लोग ऐड करते हैं, क्रायोलाइट दैट यू नो बिफोर हैंड, पर इलेक्ट्रोलिसिस से मेनली एल्यूमिनियम प्लस O2 मिलेगा। Al2O3 की अगर आप हीटिंग करो तो थर्मल डीकम्पोजिशन भी, पर काफी हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, Al प्लस O2, तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन दोनों का एग्जाम्पल हो गया Al2O3, राइट। बिना मेल्ट हुए Al2O3 एल्यूमिनियम प्लस O2 में टूट जाता है, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। डन, बट वो रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में मत मानना, एल्यूमिनियम का डीकम्पोजिशन अगर नॉर्मल कंडीशन पे, जैसे हम बोले इसकी उल्टी रिएक्शन H2 प्लस O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक कंटेनर में अगर आप 100 साल भी रख लोगे ना तो H2O ना के बराबर बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप सालों तक भी रख लोगे ना, एक कंटेनर है, जब तक यहाँ पे कैटलिस्ट या फिर स्पार्क वगैरह जनरेट नहीं करो तब तक ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे, रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है।
तो Al2O3 का डिकम्पोजिशन इट नॉट समथिंग ए कॉमन प्रोसेस दैट रिक्वायर सम कैटालिटिक प्रेजेंस इन ऑल, तो उसका डिटेल तो हम बाद में देखेंगे, पर इलेक्ट्रोलिसिस आप जानते हो इसलिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस, इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मोलिसिस. अब हम थर्मोलिसिस के साथ कंटिन्यू करते हैं. थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चन जो आते हैं वो हीटिंग इफेक्ट वाले ही क्वेश्चन है. कौन आसानी से थर्मल डिकम्पोजिशन चला गया उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, जो मुश्किल से वो थर्मल स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है, और जो बोलेंगे थर्मली स्टेबल ही है मतलब उसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ. जैसे मैं NaOH की बात करूं या KOH का एक एग्जांपल है, इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं. अगर KOH है, मैं नहीं बोल रहा कि वो K2O plus H2O में नहीं टूटता, पर आपको कोई बोले कि KOH थर्मली डिकम्पोज होता है आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये 300 समथिंग डिग्री सेल्सियस पे KOH मोल्टन स्टेट में चला जाता है और फिर 450 डिग्री सेल्सियस के अनुसार ये डिकम्पोजिशन होता है. अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस और उससे बड़ा टेम्परेचर ये T1 हो गया, ये मोल्टन स्टेट में जाके डिकम्पोजिशन हुआ. मैं तो सॉलिड की डिकम्पोजिशन की बात कर रहा हूं, मैं फिजिकल स्टेट चेंज करके बात नहीं कर रहा. तो मेरे को बोला जाए कि KOH सॉलिड क्या थर्मली डिकम्पोज होगा, मैं बोलूंगा नहीं होगा. यस और नो? ओके दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एक ही नारा दिया था, स्ट्रोंगर द एसिड स्ट्रोंगर द बेस, स्ट्रोंगर द एसिडिक ऑक्साइड स्ट्रोंगर द बेसिक ऑक्साइड, हायर द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट. जितना स्ट्रोंग एसिड है, जितना ज्यादा मेटलिक करेक्टर है मेटल का, उसका एसिड उतना ज्यादा बेसिक होगा, उसका हाइड्रोक्साइड उतना ज्यादा बेसिक होगा. जितना ज्यादा नॉन मेटलिक करेक्टर है नॉन मेटल का, उतना ही ज्यादा उसका एसिड एसिडिक ऑक्साइड और उसका हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड जो बनते हैं उनका एसिडिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा. ये एक जनरल ट्रेंड है. तो जितना ज्यादा मेटलिक करेक्टर नॉन मेटलिक करेक्टर है कैटायन एनायन ऑफ सोल्ट में, वो मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड से आता है या मेटल का ऑक्साइड बेस बना लेता है Arrhenius base जैसे Na2 NaOH, और नॉन मेटल का ऑक्साइड CO2 जैसे कार्बोनिक एसिड एसिड बना लेता है क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है सॉल्यूशन में. तो ये सब आपस में कंबाइन करके सोल्ट बनाते हैं. तो जो एनायनिक पार्ट ऑफ सोल्ट होता है वो एसिड से आता है, एसिडिक ऑक्साइड से आता है, कैटायनिक पार्ट ऑफ सोल्ट होता है. जैसे एक बार IIT में क्वेश्चन पूछा था, मैं जो कहानी सुना रहा हूं उसी का एक हिस्सा है. मैंने बोला था चाहे एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड की शादी हो तो मंगल में सोल्ट पैदा होता है, या एसिडिक ऑक्साइड से बेस बन जाए जैसे Na2 से NaOH, और बेसिक ऑक्साइड से बेस बन जाए और एसिडिक ऑक्साइड H2CO3 लो, CO2 लो या H2CO3 उसका एसिड लो, सी ऑक्साइड लो या उनके क्रोस्पॉन्डिंग एसिड बेस लो, या एक का ऑक्साइड और एक का बेस, एक का ऑक्साइड और दूसरे का एसिड लो, उनकी रिएक्शन से वो बनेगा. इसी के मुझे जल्दी से बताएं, कौन ऐसा बच्चा है जो ये नहीं बता पाएगा? कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं बता पाएगा. मैं बोलूंगा COH2, मैं बोलूंगा Na3PO4, H3PO4 ले लो, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इसका प्रोडक्ट ना बताए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर. ये तो ट्राइप्रोटिक एसिड होता है, 3 HIN देता है. तो यहां पे इसका सोल्ट बनेगा एनायन फोस्फेट आयन और इसका बनेगा बेसिक रेडिकल बेस से कैटायन, कैटायन बेसिक रेडिकल है वो सीए. कौन ऐसा बच्चा है जिसका सोल्ट नहीं बना सकता, सोल्ट का फॉर्मूला नहीं सकता? नोबडी इज देयर. 3 कैल्शियम है 2 फोस्फेट है तो 6H2 और आ जाएगा बैलेंसिंग कोई करना चाहे. पर भाई साहब ये रिएक्शन तो कोई भी लिख देगा, ये रिएक्शन तो कोई भी बच्चा लिख देगा, पर जो डिस्कशन सुनेगा वो ढंग का क्वेश्चन कर पाएगा. अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में जो बिगनिंग हुई थी, ये किसका हाइड्रोलिसिस से बनेगा CaO, ये बेसिक ऑक्साइड है और ये उसका हाइड्रोक्साइड बेस है, ये किसकी हाइड्रोलिसिस से बनेगा जरा बताओ मुझे. पता है लास्ट लेक्चर में आपने किया फॉस्फेट, ये सब किससे बनते हैं? P4O10 लिखो या फिर P2O5, दोनों तरीके होते हैं लिखने के, स्ट्रक्चर वाइज ये है P4O10. इनकी रिएक्शन करवाई, इनकी दोनों सॉलिड है, सॉलिड दोनों सॉलिड को पाउडर फॉर्म में लेके हीट कर दिया, इनकी रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा?
यही बनेगा, ये आईआईटी का क्वेश्चन था, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय आईआईटी, यही बनेगा। अरे भाई बेसिक ऑक्साइड से चाहे हाइड्रोक्साइड बनाओ बेस, आरहेनियस बेस बन गया, एसिडिक ऑक्साइड ये है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, इससे एसिड बन जाता है पानी पानी के साथ, इनमें इनमें H2O का ही फर्क है और क्या, इसको H2O दे दो तो ये बन जाएगा, इसको H2O, वो जो H2O दिया वही तो H2O प्रोडक्ट में निकल जाता है और क्या, और कुछ नहीं होता। यस और नो? तो ये दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय आईआईटी। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, मैं लास्ट लेक्चर से चिल्ला चिल्ला के मैं ऐसे बोल रहा था कि भाई ये आरहेनियस एसिड आरहेनियस बेस, ये है आरहेनियस एसिड जो HIN दे एक्वस सॉल्यूशन में आरहेनियस बेस है, इनको तो हर बच्चा पहचानता है, पर उसके कोरस्पोंडिंग जो ऑक्साइड है उनको पहचानना सीखो, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। इतने सारे कोरिलेशन में इसलिए करवा रहा था, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। तो ये इनमें किसी भी बेसिक ऑक्साइड और आरहेनियस बेस उनके हाइड्रोक्साइड में H2O का ही फर्क होता है, मैं ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं फॉर्मूला वाइज, तो बस वो H2O कम निकलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में और क्या होना जाना है, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। यस और नो? तो समझ गए IIT वाले क्या पूछना चाहते थे, जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो पूछना चाहते थे वो लोग, दैट वॉज देयर ऑब्जेक्टिव। ओके, अब क्या देखा था हमने, जितना ज्यादा बेसिक नेचर ऑफ बेसिक ऑक्साइड और आरहेनियस बेस, जितना ज्यादा एसिडिक नेचर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड और आरहेनियस एसिड या फिर H3PO4, उतना ही ज्यादा उनसे बनने वाले सोल्ट की थर्मल स्टेबिलिटी। अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होगा, मेटलिक करेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज्यादा होगा, उतना ही उसका ज्यादा ऑक्साइड बेसिक होगा, हाइड्रोक्साइड उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। नॉन मेटल जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा उसका नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा और उसका क्रोस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा कंपेरेटिवली। ये एक जनरल कोरिलेशन से आप देख सकते हो। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस इतना जानने से हमारी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट के क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसा कुछ क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस कर रहे थे। अब देखो जितने ज्यादा उधर वाले मेटल, पीरियोडिक टेबल को देखो, इस चीज को अपने दिमाग में बैठाना ताकि आपका कोरिलेशन, इधर से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ता है तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम, यहां पे मेटलिक करेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है, मेटलिक करेक्टर बढ़ता है, यहां पे नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा और एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा। बताओ सबसे तगड़े मेटल कौन से हैं? इधर से इधर उल्टा चले तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, नीचे की तरफ चले तो मेटालिक करेक्टर। तो सबसे इधर जो मेटल है वो एल्कली मेटल है। अगर हम ग्रुप वाइज देखें तो एल्कली मेटल सबसे ज्यादा मेटालिक करेक्टर रखते हैं और पी ब्लॉक के मेटल्स कम मेटलिक रखते हैं और बाद में तो नॉन मेटल ही जाने जाते हैं। उनकी तो बात छोड़ दो आप, उनकी तो बात छोड़ दो आप, ये सुन लो। तो सबसे तगड़े मेटल कौन है? एल्कली मेटल। और उनमें भी टॉप मोस्ट चार टॉप मोस्ट मेटल कौन है? लिथियम को छोड़ दो और फ्रेंसियम रेडियम को छोड़ दो, सबसे तगड़े मेटल सोडियम पोटासियम रुबेडियम सीजियम है, चाय पीनी है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे जो ग्रुप वाइज है वो सेकंड नंबर पे एल्कलाइन अर्थ मेटल है कम मेटलिक सब ज्यादा। तो ये हो गए। अगर मैं बोलूं इनमें सबसे चार मेटलिक ही, अब सुनना मेरी बात, तो इनके ऑक्साइड सब ज्यादा बेसिक होंगे, इनके हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होंगे और उसमें भी सोडियम का सबसे ज्यादा और सोडियम का सबसे कम, इन चारों में कंपेयर करें। लिथियम का लीस्ट है, लीस्ट मेटालिक है एल्कली मेटल में। अगर मैं लिथियम, सुना मेरी बात अब गौर से, इन चार मेटल को छोड़ दूं तो बाकी जितने भी हैं एलिमेंट्स, इन चार मेटल मेटल इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक है। नॉन मेटल का तो कंपैरिजन ही नहीं।
नॉन मेटल का तो आपको कंपेरिजन नहीं करना। तो ये चार ऐसे मेटल हैं, ये चार ऐसे मेटल है सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, जिनके सबसे ज्यादा बेसिक नेचर है इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में। तो इनके जो सोल्ट होंगे कार्बोनेट सल्फेट हाइड्रोक्साइड एंड सल्फाइड, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, ये स्टेबल होते हैं। बाकी सब कम मेटलिक है, तो उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कम बेसिक होंगे, बाकी बचे हुए मेटल या एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, जैसे बेरिलियम का है कम मेटलिक हुआ तो उनके कार्बोनेट सल्फेट रिलेटिवली कम स्टेबल है। इन चार के कार्बोनेट स्टेबल हाइड्रोक्साइड, इसलिए ये चार सबसे ज्यादा स्टेबल है। इस चीज को आप दिमाग में रखें, इस चीज को, सबसे तगड़े मेटल ये, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर इनके ऑक्साइड का। तो इन 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 बेस का, इन मेटल का, इन बेस का, इन मेटलिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, इनके बेसिस का जो कार्बोनेट होंगे, कार्बोन सारे कार्बोनेट में एसिड तो कॉमन हो गया, कार्बोनिक एसिड, तो सारे कार्बोनेट में ये सब ज्यादा स्टेबल है। सारे सल्फेट में इन चारों के सल्फेट ज्यादा स्टेबल है। सारे नाइट्रेट में रिलेटिवली इनके नाइट्रेट ज्यादा स्टेबल है। यस और नो, मैं नहीं कह रहा कि किसी का थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होगा, नाइट्रेट का होता है, लेकिन मैं नहीं, बाकी सब नाइट्रेट से तो ज्यादा स्टेबल है ना भाई। क्यों? क्योंकि इनके सब ज्यादा बेसिक ऑक्साइड है। जितना एसिड तो जब कॉमन हो गया तो बेस की बेसिक स्ट्रेंथ और उसके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ ही देखेंगे। सारे नाइट्रेट में एसिड तो नाइट्रिक एसिड हो गया कॉमन, तो वो तो कंपैरिजन का बेस ही नहीं बन पाया हमारा। ओके, अब मैं बारी बारी डिस्कस करता हूं और कुछ मिसलेनियस केसेस में साथ साथ जो है, सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूं कार्बोनेट्स की। लिखो टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। सारे कार्बोनेट्स को मैं चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं और चारों कैटेगरी आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, अपने डिस्कशन में आ चुकी है, बस मुझे सजा कर लिखना है उनको ताकि आपको याद हो पाए सारी इंफॉर्मेशन को। आई नीड टू पुट एट वन प्लेस, नथिंग एल्स। केस वन, केस टू, केस थ्री एंड केस फोर, सारे इनऑर्गेनिक के कार्बोनेट्स को मैं चार कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। एक जो थर्मली स्टेबल है और बाकी सबसे सब ज्यादा, सोडियम या पहले से जानते हो पोटासियम रुबिडियम सीजियम का कार्बोनेट, बताओ इन सब की हीटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? कोई मास लॉस नहीं होने वाला इनकी हीटिंग करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ मास लॉस हुआ किसकी वजह से? अरे जो गैस या वेपर बनेगा वो फूर हो जाएगा, उसी की वजह से मास लॉस होता है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, और क्या। तो इनसे ये चार जब क्वेश्चन में दे रखे हो, स्टोइकियोमेट्री तो पूरी केमिस्ट्री में यूज होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब जगह क्वांटिटी कोरिलेशन से, तो यहां पर कोई मास लॉस नहीं होगा। स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन यूज की जाती है, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि सब में सारे कार्बोनेट में एसिड तो कार्बोनिक एसिड है, तो डिफरेंस क्रिएट होगा स्टेबिलिटी में, वो बेस की वजह से होगा। केस वन, जिनको कुछ नहीं हो रहा। केस टू, तो इनमें जितना मास था कोई मास लॉस नहीं हो रहा। अब मैं केस फोर वो लेता हूं जिसमें सारा का सारा मास कार्बोनेट का लॉस हो जाए, वो तो बस एक ही है, बताओ अमोनियम कार्बोनेट। किस बत्ते को नहीं पता, हम सारे अमोनियम सोल्ट की हीटिंग इफेक्ट कर चुके हैं, क्या मिलता है? अमोनिया CO2 H2O फुर फुर फुर, नो रेसिड्यू। अमोनियम सोल्ट की हीटिंग करते हैं तो जनरली नो रेसिड्यू होता है, जनरली वर्ड के नीचे मैं अंडरलाइन करवाया था, सारे केसेस जो भी काम आते हैं सारे केसेस मैंने अमोनियम सोल्ट के आपको लिखवा चुका इन द टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम सोल्ट, जस्ट कीप दैट इन योर माइंड। तो एक ऐसा देखा जिससे मास लॉस नहीं होता हीटिंग करने पर, एक ऐसा देखा जिससे रेसिड्यू नहीं बचा, सारा का सारा मास लॉस हो जाता है हीटिंग करने पर। ओपन कंटेनर में हीटिंग करेंगे तो कुछ सॉलिड था अमोनियम कार्बोनेट, अब सॉलिड कुछ बचा ही नहीं, सब उड़ गया गैसियस वेपर फॉर्म में। तो एक तो मास लॉस हुआ ही नहीं, एक सारा मास लॉस हो गया। अब बीच की बात करते हैं, कुछ मास लॉस होगा
और कुछ रेसिड्यू बचेगा। अब केस टू, केस टू में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है कार्बोनेट्स की, इनकी संख्या आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बोनेट्स सबसे ज्यादा होती है। केस वन नो मास लॉस, गिने चुने कार्बोनेट है, चार ही तो है, कोई रेसिड्यू नहीं, सारा मास लॉस, एक ही तो है। अब जो रेसिड्यू बचाते हैं वो है, इसके अलावा सब केस फोर के अलावा सब रेसिड्यू बचाते हैं, यहां पे तो खुद कार्बोनेट ही रेसिड्यू है केस वन में। अब ज्यादातर जो इससे बिलोंग करते हैं वो, पर उसके अलावा मैं केस थ्री की बात कर लेता हूं, नोबल मेटल के कार्बोनेट्स केस थ्री, सिल्वर कार्बोनेट। बच्चे बताओ क्या मिलता है, ऑक्साइड प्लस CO2, पर सिल्वर ऑक्साइड फिर स्टेबल नहीं होता, वो Ag प्लस O2 में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? Ag मेटल प्लस O2 में टूट जाएगा। बताओ ये दो मिलेंगे आपको क्वेश्चन में पढ़ते टाइम केमिस्ट्री, HgCO3 मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक का कार्बोनेट क्या मिल जाएगा पहले? मुझे उसका ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा, पर भाई साहब Hg तो थर्मली स्टेबल नहीं होता, वो तो जल्दी टूट जाता है, वो Hg मेटल देगा, Hg मेटल तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में होता है, पर ये रेसिड्यू तो है, लिक्विड भी रेसिड्यू है, सॉलिड भी, ये तो फुर हो जाएगा, फुर CO2 प्लस O2 फुर, ये तो नोबल मेटल, नोबल मेटल ये आप पहले से जानते हो, नोबल मेटल के कार्बोनेट, ये भी गिने चुने हैं, अमोनियम कार्बोनेट तो है ही है, और ये जो कुछ मास लॉस नहीं करते वो भी है। अब बची हुई सारे के सारे कार्बोनेट केस टू में आ गए, ऑल अदर कार्बोनेट्स, सब ज्यादा पॉपुलेशन इससे बिलोंग करती है। वो क्या होते हैं जो आप जानते हो, जो आपने सब ज्यादा पढ़ा है, कि रेसिड्यू ऑक्साइड देते हैं, यहां तो मेटल रेसिड्यू मिला, यहां पे रेसिड्यू कौन मिला, ऑक्साइड इज रेसिड्यू। जैसे कितने भी एग्जांपल लिख लो, बहुत सारे आप जानते हो, मैं हाइड्रेटेड कार्बोनेट की हीटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं अनहाइड्रस की ही बात कर रहा हूं, हाइड्रेटेड के तो कुछ अलग से केसेस ले लेंगे, CaO ये रेसिड्यू है प्लस CO2 फुर हो गया, सब जानते हो आप, MgCO3 बताओ, MgO तो रेसिड्यू रह गया, ऑक्साइड इज रेसिड्यू, CO2 फुर हो गया। बताओ यहां पे लिथियम भी तो है, वो लिथियम तो इस कैटेगरी में आता है, एल्कली मेटल में एक ही तो मेटल बच गया, लिथियम का कार्बोनेट, बस बाकी सब का कार्बोनेट तो थर्मली स्टेबल था, तो ये क्या हो जाएगा, Li2O प्लस CO2, ऑक्साइड इज द रेसिड्यू, ऑक्साइड इज द रेसिड्यू, कोई भी ले लो, जैसे जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ जिंक कार्बोनेट, ZnO रेसिड्यू बच गया, ऑक्साइड इज रेसिड्यू, मेटल ऑक्साइड CO2 फुर हो जाएगा, ये सुनो, ZnO के बारे में मैं एक डिस्कशन करूंगा हल्का सा, CuCO3 ले लो, बाकी सब पॉपुलेशन इसी कैटेगरी में है, ऑक्साइड इज रेसिड्यू, CO2 निकल जाएगा, लाइक दिस ब्ला 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 ब्ला, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं सर। यस, केस थ्री में कौन से कार्बोनेट्स? केस थ्री में वो कार्बोनेट है जो मेटल एज रेसिड्यू देते हैं, केस टू में वो कार्बोनेट है जो मेटल ऑक्साइड एज रेसिड्यू देते हैं, केस वन में वो कार्बोनेट है जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, खुद कार्बोनेट ही रेसिड्यू की फॉर्म में रह जाता है आफ्टर हीटिंग, और केस फोर में वो है जो रेसिड्यू ही नहीं रखते हीटिंग करने पर, सारा चुमंतर हो जाता है। तो हियर ऑक्साइड इज रेसिड्यू, मेटल ऑक्साइड इज रेसिड्यू, बाकी CO2 लिबरेट हो जाता है। जनरल तो यही देखे हैं आपने बचपन से, CaCO3 का किस बच्चे ने नहीं दे रखा, हर बच्चे को पता है CaCO3 की हीटिंग करने पर उसका ऑक्साइड प्लस CO2। अरे जनरल तो यही ध्यान है सब लोगों को, जब तक पूरी डिटेल नहीं पता, अब तो पूरी डिटेल पता चल गई, अब तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपके पास, पहले जब आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती थी तब आप ऐसे सोचते थे, अच्छा कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है, यही सोचते थे ना, क्योंकि ज्यादातर बहुमत इन्हीं का ही था, पर ऑल इंक्लूसिव केसेस नहीं थे,
तो मैं बोलूं कि कौन से ऐसे केस हैं, केस वन, केस टू एंड केस थ्री, इन सब में कुछ ना कुछ बचता है क्या? रेसिड्यू ऑन हीटिंग, यस, ये तीन तरह के कार्बोनेट है जिसमें रेसिड्यू, फर्स्ट में खुद कार्बोनेट ही बचा हुआ है, सेकंड में ऑक्साइड रेसिड्यू और थर्ड में मेटल रेसिड्यू। केस फोर ऐसा है जिसमें नो रेसिड्यू, वो तो एक बस अमोनियम वाला ही है और तो कोई मिलेगा नहीं, नो रेसिड्यू। तो जिस तरह मैंने बोला उसी तरह मैं ZnO के बारे में खासियत बताता हूं। ZnO, ZnO इज येलो व्हेन हॉट एंड ZnO इज व्हाइट, इसका कलर चेंज होता है व्हेन कोल्ड। लो टेम्परेचर पे ZnO व्हाइट सॉलिड है और हाई टेम्परेचर पे ये येलो सॉलिड है। इसका रीजन तो 12th स्टैंडर्ड में सॉलिड स्टेट में आता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाता है, डिफेक्टिव क्रिस्टल, हीटिंग करने पर डिफेक्टिव क्रिस्टल हो जाता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाता है। जस्ट नोट कर लीजिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एफ सेंटर वाला नहीं, एफ सेंटर वाला नहीं, सॉरी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, दैट इज द रीजन। अब होट पर मतलब मोल्टन, क्या चीज, येलो जब वो मोल्टन होते तब होते हैं? ना 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 ना, मेल्ट करना नहीं है आपको, मोल्टन स्टेट में नहीं ले जाना, बस वो सॉलिड ही है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो येलो कलर का हो जाएगा, थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखोगे रूम टेम्परेचर पे तो वो व्हाइट कलर का रहेगा। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि कुछ ये ऑक्सीजन है ना O-2O2 की फॉर्म में फूर हो जाती है और कुछ इलेक्ट्रॉन क्लस्टर में रह जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आता है येलो कलर, वो डिफेक्ट में समझेंगे। एक्सप्लेनेशन अभी जिन बच्चों ने सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है दे कैन अंडरस्टैंड ऑल कांट, तो जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की है, एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दी। डन, ठीक है? Yes, sir. तो जिंक ऑक्साइड इज येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड, जस्ट एक नोट की फॉर्म में लिख लें, जिंक ऑक्साइड इज येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड, जस्ट नोट की फॉर्म में लिख लें, कभी ना कभी काम आ जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, अच्छा एक कार्बोनेट तो सबको पता है, हर बच्चे को पता है, बताओ वॉशिंग सोडा क्या होता है? पर यह हाइड्रेटेड कार्बोनेट है, अभी तक तो मैं अनहाइड्रस की हीटिंग इफेक्ट बता रहा था। अगर इसको ओपन एयर में रखो ये वॉशिंग सोडा बोला जाता है, वॉशिंग सोडा बोला जाता है। अगर इसको 373 केल्विन से कम टेम्परेचर पे, थोड़ा कम टेम्परेचर पे हीट करोगे तो एक H2O रह जाता है और 9H2O वाटर लॉस की, वेट लॉस की फॉर्म में गायब हो जाते हैं। लेकिन जब इसी को आप हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाता है। इसको आप टेम्परेचर के साथ याद रखें, सारा का सारा 100 डिग्री, और इसको बोलते हैं सोडा एस, सोडा एस बोलते हैं N2CO3 एनहाइड्रस को, सोडा एस। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वैसे 100 डिग्री सेल्सियस। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जिसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वैसे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, है ना। एक्सटर्नल प्रेशर पहाड़ी हिल स्टेशन और ऊपर जितना हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता चला जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कम होता चला जाता है। इसलिए फल सब्जियां जब पकाते हैं खाने के लिए तो अच्छे से गलती नहीं है, क्योंकि कम टेम्परेचर पे बॉइल होने लगा तो कैसे गलेगी सब्जियां, इसलिए उनके लिए प्रेशर कुकर का निर्माण किया गया था। पर हम यूज करते हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं ज्यादा जल्दी से खाना बन जाए,
है ना, आप एक खुली पतीली में पानी को बॉइल होने दो, एक प्रेशर कुकर के अंदर पानी को बॉइल होने दो, दोनों में गदड़ गदड़ हो रही है, बॉइलिंग इज बल्क प्रोसेस, अंदर से बबल बनते हैं और बॉइलिंग के टाइम पे उड़ते हैं। आप बाहर पतीली में गर्म हो रहा है पानी, उसमें उंगली डाल के देखो गर्म लगेगा, लेकिन अगर आप कुकर से, अगर आपने पानी में उंगली डाली, कुकर वाले पानी में, उसमें सीटी लग चुकी है, हाँ कुकर वाले पानी में डाली सीटी लगने के बाद, और नॉर्मल जो पतीली में पानी गर्म कर रहे हो उसमें, तो आपको पतीली के पानी में, खुली पतीली में जो पानी बॉइल हो रहा है उसमें डालने से आपको मजे आएंगे, लेकिन प्रेशर कुकर में उंगली डालोगे तो आपको इतने मजे आएंगे, इतने मजे आएंगे आप पूरे जन्म तक ध्यान रखोगे, जल जाएगी भाई साहब। क्यों? क्योंकि पतीली वाले पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 180 है एटमोस्फेयर का, और वहां पर सीटी का वेट होता है, उस वेट की वजह से एमजी लग गया, और 180 तो है ही है, तो एमजी बाई ए प्रेशर होता है, छोटा सा एरिया होता है सीटी का जहां पर लगी हुई तो कुकर की, तो ए छोटा है, एमजी एम ज्यादा है, भारी होती है सीटी, एमजी बाई उससे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, 130 140 150 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है प्रेशर कुकर के अंदर, तो 150 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में उंगली डाल के देखोगे तो क्या आएगा, बहुत मजा ही आएगा और क्या, पर इतने मजे मत लेना, कभी बोलो कि नहीं नहीं मम्मा मम्मा आज मेरे को ना प्रेशर कुकर के पानी में उंगली डिप करके देखनी है, क्यों? क्योंकि परम सर ने बोला है, मम्मी बोलेगी बेटा आ जाओ एक्सपेरिमेंट तो करना ही होता है, मत करना ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो कुछ स्पेशल केस है, मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं कुछ स्पेशल केसेस की, मैं बोलूं बताना मुझे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम इन कार्बोनेट में थर्मल स्टेबिलिटी बताओ, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोनेट्स इंक्रीजेस क्योंकि बेसिक नेचर ऑफ बेसिक ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड सब ज्यादा, बेरियम सब ज्यादा बेसिक है, बेरिलियम का ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक होता है, एक्चुअली ये थर्मल स्टेबिलिटी इधर से इधर बढ़ेगी, मैं सोलुबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेबिलिटी की, वो भी हिटिंग वाली स्टेबिलिटी की, किसी केमिकल रिएक्शन में भी टेक पार्ट करता है कौन रिएक्टिव है कौन स्टेबल है, वो स्टेबिलिटी अलग दुनिया की चीज है, मैं हीटिंग करने पर कितना स्टेबल है कितना ज्यादा कितना कम उसकी मैं बात कर रहा हूं, थर्मल स्टेबिलिटी की, बहुत तरह की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी होती है केमिस्ट्री में। बेरिलियम कार्बोनेट ये लेस लीस्ट स्टेबल है यहां पर, एंड इट इज स्टेबल, हेलो सर, इट इज स्टेबल इन एटमोस्फेयर ऑफ, इट इज स्टेबल इन एटमोस्फेयर ऑफ CO2, इन एटमोस्फेयर ऑफ CO2, अगर CO2 के एटमोस्फेयर में BeCl3 को रखे हैं तो नहीं तो डीकम्पोज हो जाता है, सोचो आप, एक मैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, तो ये कम स्टेबल होता है, बहुत कम स्टेबल होता है ये, दिस इज वेरी लेस स्टेबल। ओके, अब मैं बोलूं ट्राइवेलेंट मेटल के, जैसे क्रोमिक Cr2, जस्ट नोट लिख लेना CO3, एल्यूमिनियम भी +3 में है, एल्यूमिनियम का कार्बोनेट, फेरिक आयन भी +3 में है FeCO3, ठीक है, गोल्ड भी +3 में है, ये सब +3 वाले मेटल के कार्बोनेट है, +3 वाले गिने चुने दिखाई देते हैं आपको, हालांकि लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन होती है, ब्लॉक की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, वो बात अलग है, पर मैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं SP और D की, उनकी केमिस्ट्री तो बहुत कम पढ़ते हो आप F ब्लॉक के, तो ये कोई भी स्टेबल नहीं है, अगर मैं इनको बोलूं इन कार्बोनेट को कि इंडिपेंडेंट ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, दीज आर, क्योंकि जो इन मेटल के ऑक्साइड है, जैसे Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, सबको पता है, लास्ट लेक्चर में किया था, Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, इसी तरह इनके भी कम बेसिक होते हैं, तो कम बेसिक एम्फोटेरिक है तो बेसिक नेचर कम हो गया तो उनके सोल्ट की स्टेबिलिटी, कार्बोनेट की स्टेबिलिटी कम रहती है। मैं आपको बताऊं SN+4 वाला कार्बोनेट, स्टेनिक कार्बोनेट, और PB+4 वाला कार्बोनेट, मैं +4 स्टेनिक SN+2 स्टेनस, PB+4 प्लम्बिक
तो ये प्लंबिक है, दीज डोंट एग्जिस्ट, जस्ट नोट कर लीजिए, दीज कार्बोनेट्स डोंट एग्जिस्ट। बताओ SNO2 PbO2 क्या है, एम्फोटेरिक है ना, अरे बताओ ना यार। तो ये एम्फोटेरिक या नेग्लिजिबल बेसिक नेचर वाले ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के कार्बोनेट हैं। जितना तगड़ा बेस होता उतना ही स्टेबल होते, कार्बोनिक एसिड तो कॉमन है, तो इनके कार्बोनेट अनस्टेबल हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, राइट। Their carbonates don't exist. Their carbonates don't exist. अब मैं बात करता हूं, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ सल्फाइड्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो स्टेबिलिटी ऑफ सल्फाइड्स, बस एक ही लय ताल में सारे के सारे हो जाएंगे अपने आप। स्टेबिलिटी ऑफ सल्फाइड्स, मैं सल्फाइड की बात कर रहा हूं, मैं सल्फाइड की बात नहीं कर रहा हूं, ये सल्फाइड होता है, आईडीई, ये आईटीई है सल्फाइड। देखो फॉर्मूला वाइज सल्फाइड और कार्बोनेट एक जैसे दिखते हैं, मुझे बताओ जरा, CO2 से ज्यादा एसिडिक SO2 होती है, उससे ज्यादा एसिडिक SO3 होता है, CO2 से कार्बोनिक एसिड बनता है, उससे ज्यादा एसिडिक सल्फ्यूरस एसिड होता है, और उससे ज्यादा एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसके सोल्ट होंगे कार्बोनेट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे, इसके सोल्ट होंगे सल्फाइड कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे, दोनों पे -2 चार्ज है, बस कार्बन की जगह सल्फर आ गया, और इसके सोल्ट होंगे सल्फेट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे। यहां से यहां एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, यहां से यहां भी एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो यहां से यहां स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट बढ़ेगी क्योंकि एसिडिक बेस सेम ले लेना, बेस सेम ले लेना, जैसे सभी के सोडियम कार्बोनेट सोडियम सल्फेट तो NaOH बेस कॉमन हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट ऑफ ए मेटल, मेटल एक ले लो कोई भी, जैसे सारे सोडियम के कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड है, लाइक दिस बेस कॉमन ले लेंगे, मेटल कॉमन हो गया तो स्टेबिलिटी, तो जिनके कार्बोनेट स्टेबल हैं उनके सल्फाइड और सल्फेट और ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। यस और नो, यू कैन अंडरस्टैंड। तो आप लोग जानते हो जहां पर कार्बोनेट की हीटिंग पर CO2 मिल रहा था वहां पर सल्फाइड की हीटिंग से SO2 मिलेगा, सीधी बात। जहां पे कार्बोनेट की हीटिंग पे CO2 मिल रहा था, किसके क्रॉसबॉन्डिंग है CO2, तो यहां पे हीटिंग पे SO2 मिलेगा और यहां पे हीटिंग पे SO3 मिलेगा। इन सल्फेट की हीटिंग पे कौन कौन से गैस मिलने वाले हैं वो पता चला। सिमिलरली थिंग्स आर कोरिलेटिव। तो अगर मैं सभी के सल्फाइड सल्फेट एक ही बेस एक रख लूं, मेटल एक रख लूं, तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो किसका कार्बोनेट किसका स्टेबलेट। मैं बोलूं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड और कैल्शियम सल्फेट्स, पहला क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। दूसरा मैं बोलूं जिंक का कार्बोनेट, जिंक का सल्फाइड और जिंक का सल्फेट, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोलूं लेड का कार्बोनेट, मैं बोलूं लेड का सल्फाइड, मैं बोलूं लेड का सल्फेट, स्टेबिलिटी किधर बढ़ेगी? थर्मल स्टेबिलिटी। का ऑर्डर सभी का ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि सभी में बेस तो CaO2 या बेसिक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम CaO है, बेस तो कॉमन हो गया, तो उससे कैसे कंपेयर करो? अलग है, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, उससे स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरस एसिड, उससे स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड जितना स्ट्रॉन्ग बेस, बेस तो बराबर हो गया, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट बढ़ती चली जाएगी। यहाँ एसिड वाला फैक्टर आ गया, यहाँ पे एसिड वाला फैक्टर आ गया। मैं बोलूं सोडियम का कार्बोनेट है, सोडियम का सल्फाइड है, मैं बोलूं सोडियम का सल्फेट है, बताओ
स्टेबिलिटी किधर से किधर बढ़ेगी, इधर से इधर, बड़ा सिंपल एक ही नारा लग रहा है, स्ट्रॉन्गर द एसिड और एसिडिक ऑक्साइड, स्ट्रॉन्गर द बेस और बेसिक ऑक्साइड, हायर द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट, जितना स्ट्रॉन्ग मम्मा जितना स्ट्रॉन्ग पापा बेटा उतना ही थर्मली स्टेबल, एक ही नारा यूज कर रहे हो आप लोग, डन? यस और नो? स्टेबिलिटी ऑफ सल्फाइड्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फाइड्स, तो बस सल्फाइड्स को भी मैं चार कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा, सल्फाइड्स को भी मैं चार कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा, बिल्कुल कार्बोनेट की तरह सब चीजें मिलती जुलती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सल्फाइड्स, सल्फाइड्स आर क्लासिफाइड इन फोर कैटेगरीज एज फार एज हीटिंग इफेक्ट इज कंसर्न, केस वन, केस टू, केस थ्री एंड केस फोर, देखते जाओ। केस वन में वो चार सल्फाइड जिनसे कोई मास लॉस नहीं होता, सोडियम सल्फाइड, पोटासियम सल्फाइड, सब याद हो जाएगा आपको, पोटासियम सल्फाइड, रुबिडियम सल्फाइड एंड पोटासियम सल्फाइड, बताओ हीटिंग करने पर नो रिएक्शन, कोई मास लॉस नहीं हुआ। अब केस फोर, जिसकी हीटिंग करने पर नो रेसिड्यू लेफ्ट, सो अमोनियम सल्फाइड को हीट करेंगे तो अमोनिया मिल जाएगी, फुर हो गई, CO2 की बजाय कार्बोनेट में CO2 था, यहाँ SO2 मिल जाएगी, H2O, बस जहां कार्बन था वहां पे सल्फर कर दिया, सल्फाइड और कार्बोनेट में इतना ही फर्क है, जहां कार्बन था वहां पे सल्फर कर दो बस, जहां CO2 था वहां पर SO2 कर दो, जहां पर कार्बन था वहां पर सल्फर कर दो, सारी चीजें कॉपी पेस्ट लगेंगी आपको, सब कुछ मिलता जुलता लगेगा। केस थ्री नोबल मेटल वाला, बिल्कुल वहीं से कंपेयर करो, जिनमें रेसिड्यू मेटल होता है मैं डायरेक्टली ले देता हूं, Ag प्लस SO2, Ag2O बनेगा पर वो Ag प्लस O2 में टूट जाएगा, बताओ मर्क्यूरिक सल्फाइड Hg प्लस SO2 प्लस O2, यहां पे O2 पैरामैग्नेटिक गैस है तो यहां पे O2 निकल रहा है, बस रेसिड्यू है वो है आपका मेटल, रेसिड्यू इज मेटल केस थ्री में, यहां पे ऑल अदर, ये अनहाइड्रस सल्फाइड की बात कर रहा हूं, ऑल अदर सल्फाइड्स, सब ज्यादा पॉपुलेशन इन्हीं की ही है, सब साथ साथ याद हो जाएगा, ऑल अदर सल्फाइड्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मुझे बताओ सबका रेसिड्यू क्या होगा, ऑक्साइड होगा, Li2SO3 बताओ क्या बनेगा, CaSO3 बताओ क्या बनेगा, CuSO3 बताओ क्या बनेगा, ZnSO3 बताओ क्या बनेगा, कोई भी बच्चा बता सकता है, वेरी इजी, वेरी इजी, कितने भी लिख लो, क्या होगा, ऑक्साइड रेसिड्यू, ऑक्साइड रेसिड्यू, ऑक्साइड रेसिड्यू, ऑक्साइड ZnO येलो व्हेन हॉट व्हाइट व्हेन कोल्ड, वही वाली खासियत इसकी काम आएगी क्वेश्चन करते टाइम, बताओ क्या निकला, SO2, SO2 लेफ्ट द कंटेनर, लेफ्ट द वेसल जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन करवा रहे हो, ये मास लॉस है, व्हाट इज द रेसिड्यू, रेसिड्यू इज ऑक्साइड इन दिस केसेस, व्हाट इज द रेसिड्यू, रेसिड्यू इज मेटल, यहां पे नो मास लॉस, तो केस वन टू थ्री में रेसिड्यू बचेगा, केस वन में विदाउट मास लॉस रेसिड्यू बचेगा, केस टू और थ्री में रेसिड्यू बचेगा विद मास लॉस, यहाँ पे मास लॉस SO2 और केस थ्री में मास लॉस SO2 प्लस O2 की वजह से हुआ, और केस फोर में नो रेसिड्यू, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट और स्टेबिलिटी ऑफ सल्फाइड में आपको कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर आप बोलो सर CO2 और SO2 में फर्क होता है क्या, होता है, इसमें बहुत फर्क होता है, इसमें सिमिलरिटीज भी है एंड डिफरेंसेस भी है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, सब गौर से सुनना ये डिस्कशन CO2 और SO2 का, गौर से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, देखो कंपैरिजन ऑफ CO2 एंड SO2, CO2 सर, हाँ बोलो सर, अगर सल्फेट आते तो SO3 गैस रिलीज हो जाती, हाँ जी हाँ जी, SO3, पर SO3 में एक खासियत और होता है, सल्फेट का भी डिस्कशन आना बाकी है, SO3 को एक लिमिट से ज्यादा हीट करते हैं, मान लो T2 टेम्परेचर,
तो वो SO2 plus O2 में टूट जाता है। ये रिएक्शन बचपन से जानते हो, बताओ किसने नहीं पढ़ी। मोल कॉन्सेप्ट में भी यूज करते हो, 12th स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम में भी यूज करते हो, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड सब जगह, और 9th 10th में पढ़ी हुई है। ऐसा कोई बच्चा है जो ये रिएक्शन नहीं जानता हो? सब जानते हैं ये रिएक्शन। तो SO3 मिलती है सल्फेट से, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर हीट कर दे, और ज्यादा टेम्परेचर रख दे तो SO3 SO2 plus O2 में भी टूट सकती है। सल्फेट का डिपेंड करता है टेम्परेचर, SO3 रखोगे या SO2 plus O2 में तोड़ोगे, दोनों केस मिल सकते हैं सल्फेट्स में। ओके, अब सुनो मेरी बात, कितने बच्चों को ये पता है कि CO2 को अगर हम लाइम वाटर में पास करें तो पहले मिल्किनेस आ जाती है, CaCO3 व्हाइट पीपीटी बनता है, और उसकी वजह से मिल्किनेस आ जाती है, या उसी मिल्किनेस को जो इनसोल्युबल पार्ट होता है, जो पीपीटी बनना होता है, वो धुंधलापन ले आता है, मिल्किनेस, उसी धुंधलेपन को मिल्किनेस या टर्बिडिटी बोलते हैं। आप ऐसे करो, अगर लाइम वाटर में सब बच्चों का पढ़ा हुआ है, एवरी स्टूडेंट नो इट, लाइम वाटर में कुछ CO2 गैस पास करते हैं तो पहले टर्बिडिटी आती है, मिल्किनेस आती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इफ CO2 इज पास्ड इन एक्सेस, पहले टर्बिडिटी आएगी, अगर और CO2 पास करते रहे तो टर्बिडिटी डिसअपीयर्स, मिल्किनेस डिसअपीयर्स। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट बन जाता है और उसका सॉल्यूशन तो कलरलेस होता है, तो टर्बिडिटी, वो तो पीपीटी होता नहीं है, तो टर्बिडिटी डिसअपीयर्स, मिल्किनेस और टर्बिडिटी डिसअपीयर्स। जैसा मैंने बोला वैसे हर लैंग्वेज क्वेश्चन में आती रहती है कि ये कंपाउंड इज देयर, इफ वी पास CO2 इनटू इट, फर्स्ट ऑन पासिंग CO2 व्हाइट टर्बिडिटी मिल्किनेस अपीयर्स, व्हाट इज द कंपाउंड फॉर्म जिसकी वजह से मिल्किनेस है, एंड इफ फर्दर एक्सेस ऑफ CO2 इज पास, मिल्किनेस और टर्बिडिटी डिसअपीयर्स, राइट द केमिकल रिएक्शन कोरस्पोंडिंग टू दीज अपीयरेंसेस। दिस इज द केमिस्ट्री बिहाइंड इट। कोई ऐसा बच्चा है इसी लेताल में, मैं दूसरा सुनाता हूं कहानी आपको, CaOH2 लाइम वाटर, BaOH2 बरिएटा वाटर, बेरियम हाइड्रोक्साइड का बरिएटा वाटर, दोनों ही बेस है यार, अमोनिया वाटर, क्लोरीन इन वाटर, ऑर्गेनिक में यूज करते हो क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन इन वाटर, ऑर्गेनिक में यूज करते हो ब्रोमीन वाटर, सारे वाटर मैंने एक साथ लिखा, मैं इन दोनों का यूज करूंगा अभी, ठीक है। ये आपको ये फलाना वाटर, डिम का वाटर, बरियाटा वाटर, लाइम वाटर में यहां पे यूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर बच्चों सुनिए मेरी बात गौर से, यहां पे मैं सेम यही कहानी SO2 के साथ है, इफ SO2 गैस इज पास्ट थ्रू लाइम वाटर सॉल्यूशन, फर्स्ट मिल्किनेस अपीयर्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वैसे ही कैल्शियम सल्फाइड व्हाइट पीपीटी होता है, यहां से भी मिल्किनेस आती है, यहां से भी टर्बिडिटी आती है। When excess of SO2 gas is passed, then calcium bisulfide is formed, which is colorless solution. बिल्कुल सिमिलर है, देखो कितना प्यारा comparison. और comparison बताऊंगा मैं जो आपको यूं याद हो जाएगा, सुनते याद हो जाएगा, इस तरीके से सोचोगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं।
कलरलेस सॉल्यूशन, मिल्कीनेस, टर्बिडिटी डिसअपीयर। तो CO2 SO2 गैस दोनों में खासियत है ये, तो लाइम वाटर से पास करें पहले टर्बिडिटी आती है, और ज्यादा CO2 SO2 पास करें तो टर्बिडिटी डिसअपीयर हो जाती है। ये दोनों में है, सिर्फ लाइम वाटर नहीं, बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करोगे तो यहां बेरियम का कार्बोनेट, वो भी व्हाइट पीपीटी होता है, और बेरियम का बाइकार्बोनेट उसका सॉल्यूशन भी कलरलेस सॉल्यूशन होता है। जरूरी नहीं है यही हो। बरेटा वाटर के लिए भी सेम है, तो ये मत सोचना कि मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले लाइम सॉल्यूशन से ही पढ़ा है, क्योंकि पढ़ते ज्यादातर वही है। बेरियम हाइड्रोक्साइड कम क्वेश्चन में आता है, CO2 के बारे में पढ़ते हैं, SO2 कम क्वेश्चन में आता है। जरूरी नहीं क्वेश्चन उसी का ही आए, CO2 का ही आए। CO2 SO2 दोनों एसिडिक ऑक्साइड है, दोनों एसिडिक गैसेस हैं। यहां पर भी लाइम वाटर नहीं, बरिएटा वाटर से भी पास करेंगे तो यहां से भी टर्बिडिटी आ जाएगी बेरियम सल्फाइड की, जैसे वहां बेरियम कार्बोनेट की टर्बिडिटी थी, और यहां पर भी कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगा बेरियम बाइकार्बोनेट का, बेरियम बाइसल्फाइड का। बिल्कुल सिमिलर है, जहां कार्बन है वहां सल्फर रख दो और कछु ना आए। तो सिर्फ CaOH twice तक लिमिट मत करना अपने आपको, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी क्वेश्चन में आता है, सिर्फ CO2 तक लिमिट मत करना आपको, SO2 भी क्वेश्चन में आता है। सेम इसी तरह की लैंग्वेज, एक गैस पास की, टर्बिडिटी अपीयर हुई, व्हाइट टर्बिडिटी, मिल्कीनेस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, एंड टर्बिडिटी डिसअपीयर्स ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ दैट एसिडिक ऑक्साइड गैस। ये तो सिमिलरिटी हो गई, ये तो सिमिलरिटी होगी बिटवीन CO2 एंड SO2। अब मैं डिफरेंस की बात करता हूं, जहां से क्वेश्चन में आपको इशारा मिलेगा कि CO2 SO2 ये तो दोनों के लिए होता है। अच्छा, CO2 SO2 में डिफरेंस कैसे क्रिएट करूं मैं क्वेश्चन करते टाइम, उसके लिए जो जनरली इंडिकेटर मिलते हैं वो मैं बताता हूं। पहली चीज CO2 NSO2 में, पहला में ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑडरलेस गैस, Poisonous भी नहीं होता, दिस इज ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती इसके, ना प्लीजेंट ना अनप्लीजेंट। दिवाली में पटाखे चलाए हैं क्या, उनमें कैसी स्मेल आती है, वो बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, वो SO2 वाली स्मेल आती है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। दिवाली के पटाखे आपने जलाए, दिवाली के पटाखों में जैसी स्मेल आती है वो बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है, वो स्मेल SO2 गैस में होती है। तो एक ऑर्डरलेस है, एक में ऑर्डर है, एक में स्मेल है, और कैसी, बर्निंग सल्फर जैसी। वैसे सल्फर को जलाते हैं ना तो यही बनता है यार, इसी की वजह से स्मेल होती है, कौन सी नई बात है यार। ओके, दूसरा डिफरेंस, इंपॉर्टेंट वन, every student can understand it, that's why I'm putting it right here, CO2 SO2। koi bachcha mujhe batayega what is the oxidation state of sulfur, what is the oxidation state of carbon, batao carbon ki oxidation state kahan se kahan hoti hai, carbon family ki -4 2+4, yani ki carbon apni highest mein hai। agar koi element apni highest oxidation state mein hota hai to wo kabhi bhi रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकता, वो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, रिडॉक्स रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ज्यादा फेमस है KMnO4, K2Cr2O7, ब्ला ब्ला ब्ला। SO2, व्हाट इज द सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 से +6 होती है, ये बीच की हो गई +4, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट दोनों के रूप में काम कर सकता है, तो ये रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। SO2 जब रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा तो ऑन रिएक्शन विद KMnO4, K2Cr2O7, इट कन्वर्ट्स टू SO2, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
एसओ थ्री या फिर सल्फेट में या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, सब में सल्फर प्लस सिक्स में है। तो सल्फाइट हो, ये एसओ टू हो या फिर सल्फाइट हो कोई, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ प्लस फोर से प्लस सिक्स में चला जाता है। एसओ टू हो या एस टू एसओ थ्री हो, सब में सल्फर प्लस फोर है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सल्फर प्लस फोर से किधर जाता है, सल्फाइट, सल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, एसओ टू, ये सब किस में जाते हैं, सल्फर प्लस सिक्स में जाते हैं, ध्यान भी रखना है यार। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2 7 एज वेल एज आयोडीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन सब के लिए, एज वेल एज H2O2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये तो कॉमन ही है, ये सब ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो CO2 can't act as reducing agent, but SO2 can act as reducing agent as well as oxidizing. मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसको भी छोड़ दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो खुद को रिड्यूस कर सकता है, ये भी कर सकता है, डिफरेंस तो यहां पे क्रिएट हुआ। CO2 can't act as reducing agent, but SO2 can act as reducing agent. Right? That is a difference. और ये difference बहुत क्वेश्चन में काम आता है, very important difference. Write down stability of sulfates. Sulfate होते हैं SO4-2. Stability of sulfates. सारे सल्फेट्स का हीटिंग इफेक्ट में चार कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं, तीन वो जिनमें रेसिड्यू बचता है, एक वो जिसमें रेसिड्यू बचता ही नहीं है, बिल्कुल सेम डिट्टो, याद नहीं करना चाहो तो भी जबरदस्ती आपके दिमाग में घुस जाएगी ये चीज, क्योंकि उस लेताल से जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं घुसना है ही है इसको, आप कितना भी अवॉइड कर लो आपके दिमाग में बैठेगी ये चीज, आपको याद होगी ये चीज, यू कैन अवॉइड टू एनी एक्सटेंट, यू कैन स्विच ऑफ योर एंटीना बट इट विल कम टू यू। केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, वो चार सल्फेट जो पहले से जानते हो, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम सल्फेट, SO4, सल्फेट, जो लिया वही रेसिड्यू की फॉर्म में मिल गया, कुछ पुर नहीं हुआ, जो कुछ लिया सब ऊपर वाले को प्यारा हो गया, अमोनियम सल्फेट, बोलो क्या। यहां पे SO3 गैस मिलने वाली है, NH3+SO3+H2O, फुर, ये पढ़ चुके हैं अमोनियम छोड़, सारे पढ़ चुके हैं, केस फोर वाले हम ऑलरेडी स्टडीड ऑल ऑफ दिस, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। नो रेसिड्यू केस फोर में, केस वन टू टू में रेसिड्यू, केस वन में देर इज नो मास लॉस, केस फोर में देर इज कंप्लीट मास लॉस, एंड केस टू एंड थ्री में पार्शियल मास लॉस ऑन हीटिंग। बताओ सिल्वर मेटल के सल्फेट किस बच्चे को नहीं पता, पहले क्या मिलेगा ऑक्साइड प्लस SO3, पर ऑक्साइड तो फिर मेटल में प्लस O2 में टूट जाएगा, पहले HgO ऑक्साइड, वो Hg+ O2 में टूट जाएगा, SO3+O2, जहां SO2 था सब जगह SO3 कर दो यार, मेटल इज रेसिड्यू, ऑल अदर अनहाइड्रेस सल्फेट की बात कर रहा हूं, क्या होगा जो आप जानते हो, सबको पता है, ऑक्साइड रेसिड्यू मिलेगा, चाहे जितना भी लिख लो सब लिख पाओगे आप, जरा मुझे बताना, एल्कली मेटल में देगी बचाओ तो लिख लू राम नाम का, बताओ एल्कलाइन अर्थ मेटल में ज्यादा फेमस है, क्वेश्चन में काम आते हैं, जो ज्यादा देखे हुए होंगे आपकी लाइफ आसान रहेगी, तो जो मिलेंगे आपको क्वेश्चन में वही जनरली में लिख रहा हूं। Generally, you encounter with all of these. बता दो भाई, CuSO4, बताओ
SO3, बताओ ऑक्साइड प्लस 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 SO3. Residue is oxide. Beryllium और zinc के oxide, aluminium के oxide, ये amphoteric हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिखा जानबूझ के. मैंने इन्हें बोला इनके oxide stable नहीं होते हैं. Noble metal के बोला था. मैंने बोला था इनके कार्बोनेट होते हैं कि लेस स्टेबल या अनस्टेबल होते हैं. सल्फेट्स. अच्छा एक चीज ध्यान रखने की है, ये तो ठीक है, ऑल अदर में एक है भाई साहब, ये यहां स्पेशल ध्यान रखना है. दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड, या फिर ये याद होगा सबको, ग्रीन विट्रियोल ध्यान है ना सबको, FeSO4.7H2, ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, सबको ध्यान है. सिर्फ FeSO4 का क्वेश्चन हो या FeSO4, हर बच्चे को याद होगा ये FeSO4 का हीटिंग सल्फेट का, याद होना चाहिए, 9th-10th की बुक में होता है ये, तो ऐसा कोई बच्चा ही नहीं जिसने 9th-10th नहीं किया. FeSO4 का स्पेशल केस, स्पेशल केसेस लिख लीजिए, फिर मैं हाइड्रेटेड सल्फेट भी बड़े फेमस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी लिखवाऊंगा, ध्यान रखना है. और किसका मैं बोलूंगा, इसका टेम्परेचर का भी ध्यान रखना, तो वो भी ध्यान रखना है. बताओ स्पेशल केस, स्पेशल सल्फेट्स, समथिंग टू MML, अभी तक तो अपने आप याद हो रहा था लेताल में. फर्स्ट FeSO4 .7H2O हाइड्रेटेड है, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल. हमें क्या लगता है, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से सोचे तो ऑक्साइड रेसिड्यू मिल जाएगा, SO3 गैस पूर हो जाएगा, पर ये नहीं होता. Fe2O3 भी मिलता है, SO2 भी मिलता है, SO3 भी मिलता है, बड़ा गजब की चीज, दोनों एसिडिक ऑक्साइड SO2 SO3 प्लस ये भी, थ्री गैसियस प्रोडक्ट. ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है. दिस इज रेसिड्यू, ये तो ग्रीन कलर का है, ब्लैक और ब्लूइश ब्लैक रेसिड्यू, ऑल अदर फुर, थ्री गैसियस प्रोडक्ट्स एंड टू गैसियस प्रोडक्ट्स आर एसिडिक. जो मैं बोल रहा हूं वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेंगे कंपाउंड ए ग्रीन कलर इन नेचर, हाइड्रेटेड कंपाउंड ए ग्रीन कलर इन नेचर, ऑन हीटिंग गिव वन रेसिड्यू दैट कंपाउंड बी एंड थ्री गैसियस प्रोडक्ट सी डी ई, आउट ऑफ थ्री गैसियस प्रोडक्ट थ्री गैसेस टू आर एसिडिक इन नेचर वन इज न्यूट्रल इन नेचर. समझ जाना इसकी कहानी है, समझ जाना इसकी कहानी है, जो मैंने बोला वही क्वेश्चन में कभी ना कभी किसी मोड पे लिखा हुआ मिलेगा, समझ जाना यही कहानी है. यस बॉस, व्हाट ए इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इट इज, जस्ट रिमेंबर इट. वैसे ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझा सकता हूं, फाइनली आपको याद रखना है. क्या होगा भाई, SO3 ना टूट जाता है, SO2 प्लस ऑक्सीजन दे देता है, अब ये ऑक्सीजन क्या करती है, इसको ऑक्सीडाइज कर देती है प्लस टू से प्लस थ्री, तो क्या होगा, कुछ SO3 SO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करने के लिए नेसेंट ऑक्सीजन दे देगी, वो फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए फेरिक बन गया. लेकिन कुछ SO3 इसको ऑक्सीडाइज करेगी, कुछ SO3 बच भी जाएगी, तो SO3 जो ऑक्सीडाइज करने में यूज हुई है SO2 में कन्वर्ट हो चुकी, बाकी SO3 कहानी आपको पता है, H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो वैसे ही उड़ जाना है, तो उसकी तो कहानी छोड़ दो. आपको समझ में आया, यस,
जिस टेम्परेचर पे इसको करते हैं वहां SO3 टूटने लगता है SO2 plus O में, और SO2 plus O में इसलिए वो नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देता है फेरस को फेरिक में, इसलिए ये बनता है। ये रिएक्शन सबकी देखी हुई है, पर जिस अंदाजे से आज आपको सोचना है कि एक ब्लैक रेसिड्यू बचता है ग्रीन कंपाउंड सॉलिड को हीट करने पर और तीन गैसियस प्रोडक्ट मिलते हैं, तीन ऑक्साइड मिलते हैं, वैसे चारों चारों प्रोडक्ट ऑक्साइड है, आयरन के, सल्फर के, सल्फर के और हाइड्रोजन के, तीन गैसियस प्रोडक्ट है, उनमें दो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं और एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, इस तरह की कुछ बात की जाए तो आप समझ जाना ये फेरस सल्फेट है। अगर मैं सिर्फ FeSO4 लूं और ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं हो तो कोई बात नहीं, H2O के अलावा बाकी सब तो मिल जाएंगे, तो दो ही मिलेंगे, अगर अनहाइड्रस है तो बात तो एक ही है, दोनों के रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है। स्पेशल वन सल्फेट बड़े स्पेशल है। एक दूसरा जो आपको पता है जिप्सम, बोलो बच्चों जिप्सम, CSO4.2H2O स्पेशल सल्फेट, पहले इसको थोड़ा सा हीट करते हो तो ये मास लॉस नहीं करता, लेकिन इस 120 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हो मास लॉस कर देता है, और इसको पीओपी बोलते हैं, व्हाइट पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, हर बच्चा जानता है ये चीज, व्हाइट पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस घर में खूब यूज होता है पेंटिंग, वॉल पेंटिंग के टाइम पे लोग पीओपी यूज करते हैं, पीओपी करवा लो जी अपने दीवार पे, ऐसे बोलते हैं ना। और 100 इसके बाद अगर मैं 200 डिग्री सेल्सियस के राउंड इसको गर्म कर दूं तो ये हाफ H2O जो बना ना हेमी हाइड्रेट बनाए, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, इसका आधा मोल H2O का तो एक मोल इसका, ऐसे भी लिख सकता हूं 2 मोल CSO4 तो 1 मोल H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिखने का ये भी एक तरीका, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार दोनों साइड, और क्या, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी होता है, ऊपर लिख देता हूं 2 से डिवाइड कर दो तो इसका कोफिशियंट 1 है CSO4 का, और यहां पे ये हो जाएगा। दोनों तरीके लिखने के होते हैं, लिखने के तरीके में कंफ्यूज मत होना, लिखने के तरीके में जो मैंने पहले लिखा वो कॉमनली देखते हो बुक में, लेकिन दूसरी बार लिखा है वो कॉमनली नहीं देखते हो बुक में, तो कंफ्यूज मत होना, यहां पे भी कंफ्यूजन और मिस्टेक होती है, जस्ट रिमेंबर CaSO4 अनहाइड्रस मिलेगा, वाटर लॉस हो जाएगा इधर, ये सुन लो यहां पे कितना वाटर लॉस हो गया, 3/2 H2O लॉस हो गया। अब मैं बहुत खतरनाक हीटिंग करूं 1100 डिग्री सेल्सियस पे तो पहले CaO plus SO3 वो तो अभी अभी पड़ा है, अब SO3 भाई 1100 डिग्री सेल्सियस पे टिक नहीं पाता, वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है, SO2 plus O2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये तो आपका रेसिड्यू है, ये तो आपका रेसिड्यू है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ जिप्सम, अब होता क्या है, क्रिस्टल थोड़ा चेंज हो जाता है, पार्टिकल इधर उधर सरक जाते हैं इसमें इसमें, इसका इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ, और इसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ, जस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स राइट नाउ। तो पहले मास लॉस नहीं होता लेकिन क्रिस्टल चेंज हो जाता है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल से ऑर्थोरोम्बिक अरेंजमेंट होकर पार्टिकल का ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में चला जाता है इनिशियल हीटिंग करते हैं तो, इनिशियल हीटिंग। ये टेम्परेचर याद रखो 120 डिग्री सेल्सियस, रिमेंबर दिस टेम्परेचर, रिमेंबर दिस टेम्परेचर, रिमेंबर दिस टेम्परेचर फॉर डूइंग क्वेश्चंस। तीन टेम्परेचर जिप्सम के लिए 120 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस एंड 1100 डिग्री सेल्सियस, तीनों टेम्परेचर भी याद रखने हैं, क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, पहले बता रहा हूं मैं, जो याद करने का मैं बता देता हूं, जो याद नहीं करने का वो नहीं बताता मैं, यू हैव टू रिमेंबर इट टू गेट मार्क्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बंधु, तो सेकंड स्पेशल सल्फेट इज जिप्सम, पर ये हाइड्रेटेड की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं, हाइड्रेटेड सारे स्पेशल केस हाइड्रेटेड वाले हैं आपके, ये हर बच्चे को पता है। अब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस आप यूज करते हो तो देखते हो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप पानी डालते हो वापस से तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। जो आप सीमेंट वगैरह यूज करते हो इसमें भी जिप्सम थोड़ा बहुत डाल के रखते हैं 2-3%,
इसमें भी जिप्सम डाल के रखते हैं थोड़ा बहुत, प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि सीमेंट का आप पानी डालते हो तो निरल लाइक क्रिस्टल बन जाते हैं और सीमेंट जकड़ लेती है, इसलिए आप तराई करते हो। हम अपनी कॉमन लोकल डायलेक्ट में तराई बोलते हैं कि भाई कहीं पे लिपाई हुई है तो उस पे पानी छिड़कते रहो डेली, उसको तराई बोलते हैं हम लोग। तराई क्यों करते हैं? ताकि जो सीमेंट के पार्टिकल है, कैल्शियम के सिलिकेट, एल्यूमिनियम के सिलिकेट, यही सीमेंट में जनरली होते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड भी होते हैं उन सब में। तो ये क्या होते हैं, ये कैल्शियम और एल्यूमिनियम के ये सब सल्फेट्स, मैग्नीशियम Fe2O3 ये सब भी होते हैं, इन सब के सल्फेट में जिप्सम डाल देते हैं। तो पहले अगर वो ट्राई करते टाइम तुरंत सॉलिड मास बन जाता, तुरंत जकड़ जाता, वो जकड़ने का टाइम बढ़ा देते हैं क्योंकि हद से जल्दी कोई भी काम होना अच्छी चीज नहीं होती है बेबी, जल्दी का काम शैतान का। बहुत जल्दी सेटिंग हो जाएगी तो भी गड़बड़ है, क्योंकि अगर बिल्कुल तरीके से सीमेंट धीरे धीरे फिक्स हो, उसकी सेटिंग धीरे धीरे हो, तो प्रॉपर जहां पर पार्टिकल को इधर उधर सरकना होगा, कंकड़ पत्थर को, वो भी सरक जाएंगे, प्रॉपर अपने प्लेस पे बैठ जाएंगे। एक प्रॉपर टाइम, हद से ज्यादा स्लो नहीं, हद से ज्यादा फास्ट नहीं, एक प्रॉपर ड्यू टाइम में कोई काम होता है तो जिंदगी में अच्छा होता है, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड इन लाइफ। ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक ईटिंग इफेक्ट में सारी चीजें ध्यान रखें, सारी चीजें ध्यान रखें। इससे उल्टी एक प्रोसेस और बता रहा हूं मैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग एंड हार्डनिंग, सेटिंग एंड हार्डनिंग। किस तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप पानी डालते हो तो उसकी सेटिंग होती है, बिल्कुल यहां से यहां। अगर मैं इसमें, ये क्या है, ये आपका बोला जाता है डेड बर्नड प्लास्टर, डेड बर्नड प्लास्टर बोला जाता है एनहाइड्रस को। इसमें पानी डालोगे ना आप, कोई सेटिंग नहीं होने वाली, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालोगे तो जस्ट यहां से यहां और यहां से यहां जस्ट उल्टा हो जाता है। इस स्टेप को सेटिंग बोलते हैं और इस स्टेप को हार्डनिंग बोलते हैं। इसलिए पीओपी खरीद के लेके आते हो, ये CaSO4 हेमीहाइड्रेट आप डेड बर्न प्लास्टर मार्केट से नहीं खरीद के लेके आते, क्योंकि उससे सेटिंग नहीं हो सकती, वो जम नहीं सकता, उसमें पानी डालो कुछ नहीं, दैट इज स्टोन हार्टेड, पानी डालने पर उसको कुछ नहीं होता, पत्थर दिल है वो। और ये पत्थर तो है पर इसमें दिल है, पानी के लिए जगह है, बोलता है पानी आओ मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, और जो भी मेरे कब्जे में आएगा सबको मैं अच्छे से फिक्स कर दूंगा, जकड़ दूंगा, सेट कर दूंगा, हार्ड कर दूंगा, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का नारा होता है। लेकिन ये डेड वाला तो डेड हो चुका है, खल्ली है ही, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये खत्म सिंह है, खत्म सिंह, इसका कुछ नहीं हो सकता। पानी डालोगे तो भी जो मैंने बोला क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाएगा, जो भी मैं बोल रहा हूं ये खत्म सिंह है, डेड बर्न प्लास्टर पानी डालने पर नहीं होगा, ये क्वेश्चन में सारी चीजें पूछी जाएंगी आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, LiOH, NaOH, KOH, CSOH, बताओ विच ऑफ फॉलोइंग डीकंपोज ऑन हीटिंग, LiOH, सब क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, बस सारी कहानियां सुनते चले जाओ। सेटिंग एंड हार्डनिंग देखो, अब सेटिंग एंड हार्डनिंग, मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या कर रहा हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाल रहा हूं पीओपी में, CaSO4.5H2O। इसी को लिखने का दूसरा तरीका कौन सा होता है जल्दी बताओ, दो से मल्टीप्लाई कर दो दोनों के कोफिशियंट को भाई साहब, ये वन तो लिखते नहीं है फिर, उधर जैसे CaSO4 के सामने वन नहीं लिख रहे, यहां पर भी वन नहीं लिख रहे, सीधी बात है, यहां पर भी वन लिखना चाहिए। ये पीओपी है, पानी डालो, पानी 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 पानी, वाटर, यही तो करते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालते हैं, लिपाई पुताई करने, पीओपी करने वाले घर में आते हैं, ठीक है, उसी की केमिस्ट्री समझ रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा भाई साहब, ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4.2H2O, पर कौन सा जो पहले पढ़ा था जस्ट उसका उल्टा, ऑर्थोरोम्बिक, पानी डाल दिया ये,
धीरे धीरे ये जब हार्ड होता है, सेट तो हो गया, फिक्स तो हो गया, अब उसको कठोर होना है, हार्ड होना है, तो हार्ड होने पर हार्डनेस के लिए क्रिस्टल अरेंजमेंट चेंज होता है, CaSO4 दो टू एस टू, अब पानी का कोई योगदान नहीं है, पार्टिकल इधर उधर रीअरेंज होकर ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, इस स्टेप को हार्डनेस बोलते हैं, हार्डनिंग ऑफ जिप्सम बोलते हैं, मोनोक्लिनिक अरेंजमेंट में चला जाता है। तो ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक में जाना ये हार्डनिंग है, और पीओपी से जिप्सम बनना ये सेटिंग है, दिस स्टेप इज सेटिंग। अब सेटिंग जनरली 15 से 20 मिनट टाइम लगता है सेटिंग में, देखना आप जब मिस्त्री लोग इसको यूज करते हैं। अब कॉमर्शियली चीजें होती हैं, आप देखोगे मैं चाहता हूं ये 15 से 20 मिनट से जल्दी हो जाए मेरा काम, तो मैं यहां पे कैटलिस्ट यूज करूंगा, एक्सेलरेट करवा दूंगा, और वो होता है NaCl, कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट डाल दो, नमक छिड़क दो उसमें, जल्दी से हो जाएगा सेटिंग, जल्दी हो जाएगी, ये कैटलिस्ट का काम करता है। और नेगेटिव कैटलिस्ट तो स्पीड को कम कर दे, मैं चाहता हूं 40 मिनट में हो और धीरे हो, डिपेंडिंग माय रिक्वायरमेंट, तो मैं LM डाल दूंगा, LM फिटकरी डाल दो या बोरेक्स डाल दो, वो क्या करेगा, रिटार्डर है, नेगेटिव कैटलिस्ट, ये एक्सेलरेटर है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, NaCl इज एक्सेलरेटर, वो टाइम कम कर देता है, LM और बोरेक्स दोनों में से कोई भी ले लो, वो रिटार्डर होते हैं, सेटिंग प्रोसेस में इनका अपना योगदान है। जैसे सीमेंट की सेटिंग करने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग चीज है, सीमेंट अलग चीज है, उसके लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर ऐड करते हैं, ताकि उसकी सेटिंग जो होती है सीमेंट की, सीमेंट जो फिक्स होती है वो धीरे धीरे हो, स्लो डाउन द सेटिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट इज वन ऑफ द कॉमर्शियल यूज, इंडस्ट्रियल लेवल पे वैसा यूज होता है। मैंने दूसरा डिस्कस किया पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला। तीसरा इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आता रहेगा, स्पेशल केसेस, बताओ इसका नाम, कौन ऐसा बच्चा जो इसका नाम नहीं बता सकता, कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो इसका नाम नहीं बता सकता, बताओ इसका नाम क्या है, ब्लू कलर का पत्थर होता है, ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, ब्लू स्टोन, इसका नाम होता है ब्लू विट्रियोल और ब्लू स्टोन, बहुत सुंदर नीले कलर का पत्थर होता है ये, इसकी सुंदरता पे कायल हैं आप लोग, देख लो तो ब्लू स्टोन। वैसे मैं एक लाइन में लिखू ना तो CuSO4 सॉलिड बन जाता है, ये अनहाइड्रस है, ये कलरलेस होता है इसका सॉल्यूशन, और सॉलिड की फॉर्म में ये व्हाइट सॉलिड होता है और H2O निकल जाता है। पर ऐसा कब होता है, जब आप 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, अगर आप सिर्फ 109 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो तो पहले इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बताया है, जो CuH2O4 अंदर होते हैं, एक H2O बाहर होता है, और सल्फेट इसमें आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, चार तरह के बॉन्ड होते हैं ब्लू विट्रियोल में, एवरीबॉडी नो इट, CuSO4.5H2O, कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं सब, कौन कौन से तरह के, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, चार होते, ये चार H2O अंदर वाले लॉस हो जाते हैं 109 के ऊपर, तो CuSO4 एक H2O बच गया और चार H2O हो गए 4, और फिर इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे करो फर्दर, तो वो पांचवा H2O भी चला जाता है। पर कुछ भी नहीं बोला हो तो डायरेक्टली एनहाइड्रस लिखना, डायरेक्टली एनहाइड्रस लिखना, ये अलग अलग टेम्परेचर वाला। अब इसको आप और फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इसके लिए ना 650 डिग्री, टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, 200 डिग्री सेल्सियस याद कर लो काफी है, ठीक है, नो यार नोट 650 ये सब याद नहीं करना है, CuO+SO3 ये आप जानते ही हो यार, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे थर्मल डिकम्पोजिशन सल्फेट का क्या होगा, बस सल्फेट तो ऑक्साइड रेसिड्यू वो दे देते हैं, और ज्यादा टेम्परेचर पर करोगे तो SO3 SO2+O2 में भी टूट जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। दिस इज ब्लू विट्रियोल का हीटिंग इफेक्ट ऑफ ब्लू विट्रियोल, 200 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तो अनहाइड्रस व्हाइट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ब्लू सॉलिड, तो ये भी अनहाइड्रस CuSO4
ब्लू कलर होता है, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट सॉलिड होता है, ध्यान रखिए। मैं बात करता हूं, बताओ वो जिप्सम था कैल्शियम वाला, कैल्शियम मैग्नीशियम एक ही फैमिली में है, ये क्या था कैल्शियम बट डाइहाइड्रेट, ये हेप्टाहाइड्रेट है, इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, अपशम, या इस मिनरल को बोलते हैं, इस मिनरल को तो जिप्सम ही बोलते हैं, एप्सोमाइट, एप्सम, ये जिप्सम, यहां पे एसयूएम था, यहां एसओएम है, बस स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ में। एप्सम और एप्सोमाइट, इसको ना 150 डिग्री, कुछ बुक में 160 लिखा रहता है, तो मैं दोनों लिख देता हूं। हीट करते हैं तो 6H2O तो एक झटके में निकल जाते हैं, बचा 1H2O, एप्सम में 1H2O बचा। इसको अगर आप फर्दर हीट करते हो ना, 200 डिग्री सेल्सियस ही इसका है और 200 डिग्री सेल्सियस ही CuSO4 का था, तो इसमें सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं 200 डिग्री सेल्सियस में, एक H2O और निकल जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान रखो। अब इसकी फर्दर हीटिंग में तो अनहाइड्रस का तो हीटिंग इफेक्ट कर ही चुके हो भाई, वो तो मैं क्या बताऊं, और फर्दर SO3 और हीटिंग करोगे तो SO3 SO2 प्लस O2 में भी टूट सकता है, डिपेंड करता है कितनी रेड हॉट कंडीशन रख रहे हो, कितनी ज्यादा हीटिंग कर रहे हो। रेड हॉट कंडीशन में SO3 को SO2 प्लस O2 में तोड़ दिया करो, वो तगड़ जबरदस्त हीटिंग की चीज होती है, राइट। तो 150 और 160 डिग्री सेल्सियस वाली नहीं, 200 डिग्री सेल्सियस वाला ध्यान रखो। ब्लू मिनरल में भी 200 डिग्री सेल्सियस पे अनहाइड्रस मिल जाता है और यहां पर भी अनहाइड्रस मिल जाता है। फिफ्थ, ये व्हाइट विट्रियोल है, सब लोग जानते हैं, फिफ्थ वन व्हाइट विट्रियोल, ZnSO4 हेप्टाहाइड्रेट, इसको व्हाइट विट्रियोल के नाम से जानते हो आप लोग, ऑल ऑफ यू। अगर मैं व्हाइट विट्रियोल को गर्म करूं, वहां पे 160 की बजाय ना 70 डिग्री सेल्सियस है, तो आपके एक H2O निकलता है यहां पर, तो ZnSO4 .6H2O मिल जाएगा आपको। सब व्हाइट है, सब व्हाइट है। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, उतने पे गर्म करो आप, तो 5H2O और मिल जाते हैं भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस तक, ZnSO4 .1H2O मिल गया। अगर इसको आप 450 डिग्री सेल्सियस पे, आप 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो ZnSO4 अनहाइड्रस मिलेगा, और इसको अगर और ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ZnO जो कि येलो है ऑन हॉट, और SO3 अगर 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हो, टेम्परेचर याद नहीं रखना, तो SO2 प्लस O2 में भी टूट जाता है, ठीक है। वो तो अनहाइड्रस की तो कहानी जानते ही हो आप, जस्ट कीप इन माइंड दिस टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस व्हाइट, और एप्सम के लिए 200 डिग्री सेल्सियस, और जिप्सम के लिए भी 200 डिग्री सेल्सियस था आपका, जिप्सम भी 200 डिग्री सेल्सियस पे एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाता है, और एप्सम भी 200 डिग्री सेल्सियस पे अनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, और ब्लू विट्रियोल भी 200 डिग्री सेल्सियस पे अनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लू विट्रियोल, जिप्सम एंड एप्सम, तीनों के तीनों 200 डिग्री सेल्सियस पे सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देते हैं, तो 200 डिग्री सेल्सियस बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है ब्रदर। तो दीज आर स्पेशल सल्फेट्स जिनका हीटिंग इफेक्ट आपको याद रखना पड़ता है इनऑर्गेनिक में, दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट सल्फेट में हमें काफी डिस्कशन करना था। अब हम आ जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, कुछ नहीं बताना मुझे, सब बता चुका हूं मैं, सब बता चुका हूं मैं। बताओ सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, क्या बताऊं, सब आपको पता है, बताओ इनकी हीटिंग पे क्या होगा, बोलो ना, नो रिएक्शन। कौन सा ऐसा हाइड्रोक्साइड है अमोनियम का है जिसपे नो रेसिड्यू, बताओ, अमोनियम पे तो पहले कर चुके हो, बताओ। KS3 में सिल्वर का हाइड्रोक्साइड Ag2O प्लस H2O देगा, यहां पे क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, कार्बोनेट में CO2 मिलता था, ये सुन लो, सल्फाइड में SO2 और सल्फेट में SO3, तो यहाँ पे Ag2O Ag फिर टूट जाएगा, Ag प्लस O2 प्लस H2O, फुर फुर, और H2O इस पैरामैग्नेटिक गैस,
HgOH twice क्या मिलेगा, HgO मिलेगा, वो फर्दर टूट जाएगा Hg plus O2 में H2O44, तो यहाँ पे मेटल रेसिड्यू है, बचे हुए में क्या हो जाएगा, ऑल अदर केसेस सल्फेट में, तो खास हमने स्पेशल केस देखे, ऑल अदर केसेस में क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो ऑक्साइड इज रेसिड्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बताओ COH twice को हीट करोगे तो CaO plus H2O, यहाँ पे H2O निकलेगा, जैसे कार्बोनेट में CO2, सल्फाइड में SO2, एच सल्फेट में SO3 निकल रहा था, सेम फैशन राइट, कुछ नहीं बताना मुझे, एवरीथिंग यू नो AlOH thrice एलुमिना मिल जाएगा, Al2O3 plus H2O मिल जाएगा, फिर ZnOH twice को हीट करूंगा, एवरीथिंग यू नो, ZnO येलो है नोट ओल्ड पे ऊपर ये व्हाइट होगा, H2O निकल जाएगा कार्बोनेट में, CO2 निकलता था, ऑक्साइड इज रेसिड्यू, तो चार केसेस में हाइड्रोक्साइड को आप डिवाइड कर लीजिए, चार केसेस में हाइड्रोक्साइड्स को आप डिवाइड कर लीजिए, डन, थोड़ा सा टाइम और, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड सेम पैटर्न पे, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, इफ यू आर नॉट एबल टू नोट इट नोटबुक में तो आप इसका स्नैप ले लें, बाद में नोट कर लेना लेक्चर के बाद। अब मैं स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स सबको एक ही तरीके से, नाइट्रेट फिर भी कम स्टेबल होते हैं, ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, तो इसको चार केसेस में मैं डिवाइड करता हूं, एक ऐसा नाइट्रेट जो आप जानते हो, बताओ इसमें तो ऑक्सीडाइजिंग है तो लाफिंग गैस मिलती है, पढ़ चुके हो आप H2O, फुर नो रेसिड्यू, कौन से ऐसे नाइट्रेट हैं, हाँ जनरल केस में बता देता हूं नाइट्रेट का क्या होता है, ऑल अदर में नाइट्रेट्स में इनमें दो गैसेस निकलती हैं NO2 NO2, दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, नाइट्रेट्स में NO2 NO2 दो गैसेस मिलती हैं, ब्राउन कलर की गैस सबको याद है, बोथ आर पैरामैग्नेटिक गैसेस, इंपॉर्टेंट चीज, तो नाइट्रेट्स को अगर हम हीट करें, जैसे मैं बोलूं लेड नाइट्रेट, खूब क्वेश्चन आता है लेड नाइट्रेट की हीटिंग के ऊपर, तो ऑक्साइड रेसिड्यू बनेगा ऑल अदर केसेस में, प्लस यहां पर NO2 प्लस O2 निकलता है, दो गैस निकलती है, सेंट्रल मेटल की मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +2 है लेड का, इसमें कोई दोराय नहीं है। अगर मैं बोलूं आपको तो क्या होता है, ऑक्साइड NO2 और O2 दो गैसेस निकलती है, मैं बात करूं ZnNO3 twice तो क्या बन जाएगा, कोई भी बच्चा लिख सकता है, ऑक्साइड इज रेसिड्यू, दो पैरामैग्नेटिक गैसेस निकलती हैं, एनीवन कैन राइट यस और नो, Cu बताओ NO3 twice, एनीवन कैन राइट, ऑक्साइड इज रेसिड्यू NO2 NO2 दो पैरामैग्नेटिक गैसेस निकलती हैं, जनरल केस इज दिस, इसी तरह यहां पर HNO3 कर देता हूं, देखो ये भी आप पढ़ चुके हो, इसका ये करो या फोटो डिकम्पोजिशन करवाओ, क्या मिल जाएगा, मेटल की बजाय हाइड्रोजन हो गया, ये मेटल का ऑक्साइड की बजाय हाइड्रोजन का ऑक्साइड, और NO2 प्लस O2 तो निकलेंगे ही, यहां पे तो नो रेसिड्यू, नाइट्रिक एसिड का थर्मल डिकम्पोजिशन करो या फोटो डिकम्पोजिशन करो, सेम पैटर्न में लिख सकते हो इन सब नाइट्रेट की तरह, यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोजन का ऑक्साइड मिल जाएगा, इसको इतना ही तो फर्क है, ये तो फुर हो जाएगा H2O यार, जनरल इज दिस सो ऑल अदर ऑक्साइड्स गिव NO2 प्लस O2 एन ऑक्साइड एज रेसिड्यू, जनरल केस ये है। अब मैं केस 3 की बात करूं तो कोई भी बच्चा लिख सकता है, बताओ AgNO3 है, खुद ही बताओ भाई साहब, Ag2O ऑक्साइड मिलेगा, NO2 प्लस O2 मिलेगी, लेकिन Ag2O फर्दर Ag में टूट जाएगा, किस बच्चे को नहीं पता, सबको पता है O2 और आ जाएगी, HgNO3 twice, बताओ हीटिंग पे क्या होगा, पहले HgO ऑक्साइड मिलेगा रेसिड्यू पर, वो खुद ही स्टेबल नहीं, वो Ag प्लस O2 में टूट जाएगा, O2 पहले से ही है तो और O2 आ जाएगी, यस और नो, यहाँ पे रेसिड्यू मेटल है, यहाँ पे रेसिड्यू मेटल का ऑक्साइड है, HNO3 को छोड़कर, जहां मेटल है वहां तो मेटल का ऑक्साइड है,
अब चार नाइट्रेट के बारे में मैं बात करता हूं, NaNO3, KNO3 और जो CSNO3, इनका हीटिंग इफेक्ट बाकी सब की तरह नहीं है जो सल्फाइड, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड इन सब में आपने पढ़ा। ये क्या देंगे, नाइट्राइड देंगे प्लस O2 गैस। बैलेंस करोगे तो ऐसे कर लेना यार, बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी कर सकता है वो। नाइट्राइड, नाइट्रेट डिकम्पोजिशन पे नाइट्राइड देते हैं प्लस O2 गैस। ये चार मेटल एक साथ ही रखते हो आप हरदम, प्लस ऑक्सीजन, पैरामैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक गैस मिली। बाकी केसेस में आपको दो दो पैरामैग्नेटिक गैस मिल रही थी केस 2 और केस 3 में। यस और नो, CsNO2 प्लस O2 एक पैरामैग्नेटिक गैस मिल रही है। रेसिड्यू नाइट्राइड इज रेसिड्यू, बस पूर होने वाला तो ऑक्सीजन है, एक पैरामैग्नेटिक गैस। जनरल केस में दो दो पैरामैग्नेटिक गैसेस होती हैं, राइट। ये हो गया ऐसा 500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड करते हैं। NaNO2 का एक स्पेशल केस है, PbNO3 बहुत, ये दोनों बहुत क्वेश्चन बहुत कॉमन यूज होते हैं, इन दोनों का हीटिंग इफेक्ट। अब मैं ना NaNO2 इवन में NaNO2 के ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखें, दोनों काम आती है NaNO3 का। अगर आप 500 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर पे, जनरली यही लेके चलना है, कुछ भी नहीं बोला हो तो यही नाइट्राइड प्लस O2 में ले जाना है। लेकिन इसी सोडियम नाइट्रेट को अगर मैं हीट करूं, सोडियम नाइट्रेट को अगर मैं हीट करूं, मैं इसको अगले पेज के ऊपर लिख देता हूं, NaNO3 इफ, स्नैप ले लीजिए इफ यू हैव नॉट नोटेड इट डाउन, NaNO3 है, उसको अगर मैं हीट करूं 500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड तक इवन, तो नाइट्राइट बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, एक पैरामैग्नेटिक गैस निकलती है नाइट्राइट आपका रेसिड्यू। लेकिन मैं इसको और हायर टेम्परेचर पे हीट करूं 800 डिग्री सेल्सियस पे, अब मैं इसका टेम्परेचर मुझे भी याद है, आपको भी याद होना चाहिए, तो होगा क्या कि ये तो ऑक्साइड तो रेसिड्यू मिल जाएगा, लेकिन N2 और O2 मिलेगा आपको, N2 एंड O2 आपका गैसियस प्रोडक्ट, जो कि एयर में N2 O2 होता है मिलती, तो एयर वाले ही मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना, एयर वाले ही कंपोनेंट, गैसियस कंपोनेंट मिल रहे हैं। O2 पैरामैग्नेटिक है, N2 तो डायमैग्नेटिक है, दो दो गैसियस प्रोडक्ट, तो ये आपको याद रखना है विद टेम्परेचर, कुछ भी नहीं बोला हो तो यही लेना है जो जनरल हीटिंग इफेक्ट में आता है। एक बाय चांस वो भी पूछ सकते हैं, बाय चांस पूछेंगे 12th स्टैंडर्ड में पूछेंगे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की हीटिंग की बात करें। अगर सिल्वर नाइट्रेट की हीटिंग पे दो टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एक आप 350 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग करो, तो आपको सिर्फ नाइट्राइड तक ले जाना है और O2 गैस ले जाना है। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट की आप जो पहले बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे, क्या Ag रेसिड्यू है, यस और नो, पर ये 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जरा याद करके रखें इसके लिए, टेम्परेचर के साथ याद करने वाला सेट है ये, 450 डिग्री सेल्सियस Ag प्लस NO2 प्लस O2, जो पहले केस लिखा था बाय डिफॉल्ट, ये लिखा था बाय डिफॉल्ट, ये डबल टिक वाले केस रखे थे मैंने, ये और ये, पर ये 450 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर अगर मेंशन हो तो आप ऐसे सोचोगे, टेम्परेचर मेंशन हो तो HNO3 की रिएक्शन हम बात कर चुके हैं, अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये पानी निकाल लेता है, इससे पानी निकाल लेंगे तो प्लस 5 वाला एसिड है, तो इसका ऑक्साइड भी प्लस 5 वाला ही बनेगा, आप लोग जानते हैं, ये तो डिहाइड्रेशन हो गया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन था जो अभी हमने देखा, राइट, ओके बच्चों, ये नाइट्रेट के हीटिंग इफेक्ट हो गए। सर लिथियम नाइट्रेट का क्या, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट इधर लिख लो भाई, इधर इधर इधर, ऑल अदर केसेस में लिथियम नाइट्रेट, लिथियम का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, लिथियम का नाइट्राइट यहां पे, ऑल अदर केसेस में आ गए तो ये दो थोड़ा टेम्परेचर के साथ याद रखना यार, ये जो मैंने लास्ट में लिखवाई है, ये MML लिख दिया मैंने, ये कुछ स्पेशल चीजें हैं। वैसे मैं आपको बताऊं सबसे तगड़ा मेटल कौन है एल्काइन अर्थ मेटल में, बेरियम,
तो वो भी अल्कली मेटल सोडियम की तरह बिहेवियर दिखाने लग जाता है यार। वो क्या करता है, वो भी पहले नाइट्राइट दे देता है और O2 गैस दे देता है, अगर उसको भी 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करें तो, जस्ट लाइक दिस सोडियम की तरह, क्योंकि काफी तगड़ा मेटल है ना वो। एल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे ज्यादा मेटलिक वही है, तो वो एल्कली मेटल जैसा बिहेवियर दिखाने लगता है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इसकी, एल्कली मेटल जैसा दिखाने लगता है। लेकिन हमने जनरल पहले कैसे लिया, वो ये लिया भाई नाइट्रेट है ये, ऑल अदर केसेस में आ गया तो क्या ऑक्साइड देगा रेसिड्यू प्लस दो पैरामैग्नेटिक गैस देगा, जनरल तो वही केस है, पर वो थोड़ा हाइयर टेम्परेचर पे होता है, 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी भी इसको गर्म करो तो आपको नॉर्मल, तो हम तो नॉर्मल केस लेके चलेंगे जब तक टेम्परेचर, तो ये दो बस सोडियम और सिल्वर नाइट्रेट का टेम्परेचर याद करके रखो, बाकी का याद करने की जरूरत है नहीं, बेरियम वगैरह की जरूरत है नहीं, बाय चांस कभी काम आ जाए तो आ जाए, बाय चांस कभी काम आ जाए तो आ जाए। ओके बच्चों, कुछ मिसलेनियस केसेस मैं बता देता हूं। बाइकार्बोनेट, मेरे ढंग से बात सुनना, कार्बोनिक एसिड, गौर से सुनना बात, लॉजिकली समझा रहा हूं फिर याद करना, फिर इसका सोल्ट, बट बाइकार्बोनेट एक एच आयन हटकर एन ए पॉजिटिव आयन आ गया, और इसका फिर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वाला सोल्ट कार्बोनेट। यहां से यहां आयोनिक रिएक्टर बढ़ रहा है, मैंने बोला था सोल्ट में जितना ज्यादा आयोनिक रिएक्टर उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, ऐसा जनरलाइज हमने देखा था, जितना ज्यादा बेसिक ऑक्साइड होता जा रहा था पर्टिकुलर एसिड के, जैसे सीजियम का ज्यादा आयोनिक था सोडियम से, तो थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट के डाउन द ग्रुप बढ़ रही थी, तो आयोनिक करेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। तो इसी तरह मैं सल्फ्यूरस एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बाइसल्फाइड एंड सोडियम सल्फाइड, कोई भी मेटल का स्टेबिलिटी इधर से इधर बढ़ेगी, आयोनिक करेक्टर बढ़ रहा है। अब जो 12th वाले बच्चे हैं वो तो ये समझ जाएंगे, यहाँ पे एक रीजन और है, आयनिक करेक्टर तो सब समझ जाएंगे बच्चे, एक रीजन और है वो रेजोनेंस उनके लिए, बताओ ये तो फ्री घूम रहा है, ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इधर से भी ये इलेक्ट्रॉन जाते टाइम में तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं है नहीं, ये तो बॉन्डेड है ज्यादा, यहाँ से तो अच्छा रेजोनेंस होगा, यहाँ दोनों साइड से ही अच्छे से नहीं होगा क्योंकि ओके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो ज्यादा रेजोनेंस इधर से इधर बढ़ रहा है, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन इधर से इधर बढ़ रहा है तो भी स्टेबिलिटी इधर, वो सेकंड रीजन है, पर आयनिक करेक्टर से आप लोग समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट भी यही आता है, क्यों ज्यादा स्टेबल है सल्फाइड बाइसल्फाइड से, क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो एक्सप्लेनेशन भी आयनिक करेक्टर वाली होती है। हाँ, आयनिक करेक्टर के साथ रेजोनेंस की एक एक्सप्लेनेशन दे दें, ऐसा तो बहुत कम है, ऐसा बहुत कम है, दैट इज वेरी रेयर। डन बच्चों, अब मैं एक चीज बता रहा हूं, सारे बाइसल्फेट ऑन हीटिंग सल्फेट देंगे SO2N, एक बार लिख देता हूं बस, नोट कर लिया सब, इसी तरह H2SO4, NaHSO4, NNA2SO4, स्टेबिलिटी इस तरह बढ़ती चली जाएगी, आयनिक करेक्टर रेजोनेंस इफेक्ट आर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, नोटेड इट डाउन, यस और नो सर? यस सर। SO3, SO2 और O2 में कौन से टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाती है मिनिमम? क्या SO3 SO2 प्लस O2 पे? यस सर। यार SO3 SO2 प्लस O2 पे, पहली बात तो ये चीज है इसमें काम नहीं आएगी, वैसे 560 डिग्री 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है सिर्फ SO3, देखें
लेकिन आपको इस टूल को यूज नहीं कर सकोगे इधर। क्यों नहीं यूज कर सकोगे? अरे किसी का सल्फेट ही 800 डिग्री सेल्सियस पर पत्थर ही टूट रहा है SO3 में, तो आप उसको 600 डिग्री सेल्सियस की कैसे बात कर सकते हो? वो चीज आपको काम नहीं आएगी इधर। समझ गए मेरी बात? यस सर। हाँ तो ये है, बहुत गजब का फंडा डिस्कस कर रहे हैं भाई साहब। जो पेशेंस रखेगा उसको राम मिलेगा, पर एक्स्ट्रा पढ़ाने से मुझे पैसा नहीं मिल रहा। एनीवेज तो देखो, आयन करेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मेरे दोस्तों, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में कौन ज्यादा स्टेबल? इस फंडे को यूज करूंगा मैं, अभी सिखा रहा हूं, आगे यूज करूंगा इसको। बताओ मुझे जरा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कौन ज्यादा स्टेबल? कार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट की हीट करेंगे तो कार्बोनेट मिलेगा, CO2 प्लस H2O मिलता है। सबको याद है सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। आज तक आपने याद किया, आज आपको समझ आया। सोडियम बाइसल्फाइड को हीट करेंगे तो सोडियम सल्फाइड मिलेगा प्लस SO2 प्लस H2O। सोडियम बाइसल्फेट को हीट करेंगे तो सोडियम सल्फेट प्लस SO3 प्लस H2O। SO3 प्लस H2O। तो मुझे बताओ कौन से, मुझे जल्दी से बताना, कौन से ऐसे चार कार्बोनेट हैं जो प्योर स्टेट में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं? कंप्लीट कॉमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चार ही बाई कार्बोनेट है बस, सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम के, जो सॉलिड स्टेट में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। कैल्शियम बाई कार्बोनेट मार्केट से नहीं खरीद सकते हो आप, क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में तो ये है, बाकी बहुत सारे कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन में तो मिलते हैं पर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। फ्री स्टेट में बस ये चार ही माइक लाल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्यूशन वगैरह में एग्जिस्ट करते हैं वो बात अलग है, फ्री स्टेट प्योर स्टेट में यही एग्जिस्ट करते हैं। हाँ अमोनियम बाइकार्बोनेट भी थोड़ा बहुत, पर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते वो गायब हो जाता है, रिलेटिव उसकी स्टेबिलिटी बाकी सबसे ठीक है, पर ये चार पक्का पक्का है। बाकी कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए, वो तो वाटर है, सोल्यूशन है यार, इधर थोड़ी है प्योर सॉलिड की फॉर्म में। बताओ इनको मैं हीट करूंगा तो बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स, बताओ मुझे बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट स्टेबल है? ऑन हीटिंग गिव्स कार्बोनेट्स प्लस CO2 प्लस H2O, सारे के सारे CO2 प्लस H2O, सारे के सारे में CO2 प्लस H2O मिलने वाला है, ये तो कॉमन है। यहां पे कार्बोनेट मिलेगा, कार्बोनेट मिलेगा, कार्बोनेट। अब मैंने यही क्यों चार एग्जांपल लिए, क्योंकि यार इनके बारे में मुझे एक खासियत भी तो बतानी थी आपको कि प्योर स्टेट में यही चार स्टेबल है, इसलिए मुझे और भी तो इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसलिए मैं, अब बोलोगे सर आपने फिर ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्यों नहीं लिया? सर ले लेते हैं साहब, बॉइलिंग ऑफ वाटर से क्या हो जाता है, बॉइल करने पर ही CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O में, पर और ज्यादा गर्म करोगे तो आगे कार्बोनेट तो पड़ ही चुके हो, आगे का तो थोड़ी बताऊंगा मैं, वो आपको पता है। और ज्यादा हीट करोगे, 1000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हीटिंग होती है इसकी, 1000 या 1000 से कम, 1000 से कम, 1000 से ज्यादा नहीं। लाइमस्टोन को अगर आप हीट करो 1000 से ज्यादा तो और पंगे हो जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, क्योंकि जो लाइमस्टोन होता है ना, लाइमस्टोन के सफेद पार्ट होते हैं, सफेद पार्ट अफ्रीका वगैरह में लाइमस्टोन के सफेद पार्ट होते हैं। आप देखो तो कभी आप देखना, कभी आपको मौका मिलेगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हो या फिर मेडिकल, विदेश में आपको जाने का मौका मिलेगा अफ्रीका वगैरह में, तो व्हाइट कलर के पहाड़ होते हैं, वो लाइमस्टोन के पहाड़ होते हैं। वैसे मकराना का मार्बल राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में बड़ा फेमस है, वो भी CaCO3 है। CaCO3 कई तरह के नाम से रहता है। तो मैं बात करता हूं ये लाइमस्टोन, लाइमस्टोन में यार पत्थर वगैरह भी होता है, मिट्टी वगैरह भी होती है CaCO3 में, इंप्योरिटी जो उसका पहाड़ हो। प्रॉब्लम क्या होता है, ये मिट्टी वगैरह आती है, इसको आप 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म कर देते हो तो ये CaO टूट जाएगा, ये बेस है, बेस है, बेस है, CO2 तो उड़ जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक और रिएक्शन हो जाती है, 1000 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होता। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड, एसिडिक ऑक्साइड, ये बेस, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। तो ये जो हम जिसको क्विक लाइम को आप कभी गए हो सफेदी करने के लिए, सफेदी करने के लिए जाते हो ना, तो आप ये खरीद के लेके आते हो क्विक लाइम,
दो तरह के भट्ठे होते हैं अपने गांव में, एक ईंट का भट्टा, दूसरा लाइमस्टोन का भट्टा। लाइमस्टोन मतलब क्विक लाइम, लाइम का, उसमें सफेद सफेद पत्थर कली करने के लिए, सफेदी करने के लिए खरीद के लेके आते हैं वो, ये खरीद के लेके आते हो, फिर उनको क्या करते हो आप, CaO, कभी आपने सफेदी की हो, उसकी स्लेकिंग करते हो, उसकी स्लेकिंग पानी डालना भाई साहब, मटके में डालकर, बाल्टी में डाल के इन सफेद पत्थर को, क्विक लाइम के पत्थर को पानी डालना, हिसिंग साउंड आती है, बड़ी खतरनाक, बड़ी इंटरेस्ट, सबने सुनी होगी साउंड, नहीं तो सुन लेना, सिर्फ किताबों में जिंदगी मत बिता देना, जहां पे भी आपको, यू मस्ट बी गुड ऑब्जर्वर, चारों तरफ देखते हुए चलो, सुनते हुए चलो, समझते हुए चलो, एक सक्सेसफुल इंसान की ये पहचान होती है, सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं है, आपके बाकी सेंसेस भी ऑन होने चाहिए जिंदगी में, राइट। CaO, हिसिंग साउंड, CaSiO3, ये रिएक्शन और हो जाती है इस रिएक्शन के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, भाई साहब ये तो CaSiO3 तो 1000 से ऊपर भी टूट सकता है, लेकिन दूसरी रिएक्शन हो जाती है, तो जो लाइम प्राप्त करने के लिए आप ये लाइमस्टोन को हीट कर रहे हो ना भाई साहब, वो लाइम ही किसी के साथ शादी करके निकल जाएगा, CaO प्लस SiO2 एसिड बेस की शादी हो गई, उनका अपना सोल्ट बन गया कैल्शियम सिलिकेट, आप क्या करोगे, हाथ मलते रह जाओगे, जिंदगी ऊट पटांगा, कभी तू रगड़ा कभी मैं रगड़ा, वाट लग जाएगी, क्या फायदा, तो 1000 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखो उसमें, वो दूसरी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, बाकी कार्बोनेट बनेंगे, इसी तरह मैं सल्फाइड की हीटिंग करूं, बताओ जल्दी, सल्फाइड की हीटिंग करूं तो क्या मिलेगा मुझे, SO2 मिलेगा, और सल्फाइड बाई सल्फाइड की हीटिंग करूंगा तो ऑल बाय सल्फाइड ऑन हीटिंग गिविंग सल्फाइड प्लस SO2 प्लस H2O, All bisulfides on heating gives sulfide plus SO2 plus H2O. हाँ, सल्फाइड का आगे क्या करना है वो आपको पता है, ये चार सल्फाइड तो टूटेंगे नहीं, लेकिन कैल्शियम सल्फाइड बन गया तो उसको तो तोड़ लोगे आप, सल्फाइड का आगे क्या करना है वो बताऊंगा नहीं, वो आपको खुद पता है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए बाई सल्फाइड से सल्फाइड को तोड़ने के लिए, क्योंकि सल्फाइड ज्यादा स्टेबल है। All bisulfates on heating, all bisulfates on heating give sulfate, SO3 and H2O, SO4. ये तो चार सल्फेट टूटेंगे नहीं, पर बाकी के सल्फेट तो टूट जाएंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम के किसी का बना तो, और फर्दर हीटिंग की तो, और इतनी हीटिंग की तो यही तो गाड़ी रुक जाएगी, ऐसी कौन सी बात है, ये भी टूट सकता है SO3, ये सोचो, रेड हॉट कंडीशन में तो सब टूट जाते हैं, रेड हॉट कंडीशन में सब टूट जाते हैं, राइट, रेड हॉट कंडीशन में। अब कुछ मिसलेनियस लिख लीजिए, नेक्स्ट 5-7 मिनट्स में हम खत्म कर देंगे। एक मिसलेनियस हीटिंग ऑफ मिसलेनियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो जनरल क्लास थी वो सब कवर कर चुका हूं मैं, क्लास नाइट्रेट की क्लास, सल्फेट की क्लास, सल्फाइड की क्लास, हाइड्रोक्साइड की क्लास, ऑक्साइड की क्लास में सब कवर कर चुका हूं, ऑक्साइड में मुझे एक आधा और बताना है। हाँ, क्लोराइड में उस तरह का डिकम्पोजिशन तो अमोनियम क्लोराइड का ही होता है, पर कुछ रिडॉक्स रिएक्शन में एक क्लोराइड दूसरे क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे क्लोराइड और भी होते हैं, तो क्लोराइड में कुछ मैं पॉइंट ऐड करवा दूंगा, और मुझे क्लोराइड के मिसलेनियस केसेस नहीं करवाए थे मैंने उस दिन, शायद लास्ट का टॉपिक था, उसके बाद बंद हो गई थी हमारी क्लास, वी नीड टू स्टॉप देयर। सो थिंग इज, चलो कुछ मिसलेनियस केसेस, मिसलेनियस केसेस, फर्स्ट ऑक्साइड्स में मैं बात करूं तो देखो, ये तो आप जानते ही हो, नोबल गैस के जो ऑक्साइड्स हैं वो तो वैसे ही टूट जाते हैं, मेटल में और ऑक्सीजन, इसको तो हम बार बार यूज कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है, ये मिसलेनियस केस में नहीं आते हैं, क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बैलेंसिंग कोई भी कर लेगा, ये फुर होने वाली चीज है, बाकी रेसिड्यू है। देखो, लेड का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेड के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कम स्टेबल होता है,
तो ये रेड्यूस होना चाहता है, प्लस टू में जाना चाहता है, प्लम्बिंग प्लम्बस में जाना चाहता है, पूरी केमिस्ट्री की यही कहानी है। और इसका रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, आप लोग जानते हैं सिक्स पीरियड के एलिमेंट है, तो ये खुद को रेड्यूस करेगा। तो जो प्लम्बिक के सोल्ट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि प्लम्बिक प्लम्बस में खुद को रेड्यूस करेगा तो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। जरा इस चीज को मैं समझा देता हूं। पहले सिक्स पीरियड एलिमेंट की मैं बात करूं, सिक्स पीरियड एलिमेंट पीरियड नंबर बोरोन फैमिली में यहाँ पे थैलियम है सिक्स पीरियड में, कार्बन नाइट्रोजन फैमिली में विस्मत है और कार्बन फैमिली में यहाँ पर लेड है। इन तीनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट काफी, इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री प्लस वन इज मोर स्टेबल, इसकी प्लस फोर प्लस टू लोअर इज मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसकी प्लस फाइव प्लस थ्री लोअर इन सिक्स के लिए, बाकी ऊपर की के लिए ऐसा नहीं है, सिक्स पीरियड एलिमेंट के लिए ऐसा है। तो थैलियम प्लस थ्री तुरंत थैलिक आयन थैलेस आयन में कन्वर्ट होना चाहता है और ये थैलिक सोल्ट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इनफैक्ट Pb plus 2 तुरंत Pb plus 2 में कन्वर्ट होना चाहता है, रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। प्लम्बिक प्लम्बस में कन्वर्ट होना चाहता है और प्लम्बिक वाले सोल्ट है ऑक्साइड है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये बिस्मुथिक आयन तुरंत बिस्मुथस आयन में कन्वर्ट होना चाहता है, रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और बिस्मुथिक प्लम्बिक एंड थैलिक ये सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं क्योंकि खुद को रेड्यूस करना चाहते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं इसमें। ओके फाइन, अब लास्ट पेज निकालना, लास्ट पेज। ओके, तो लास्ट पेज में तो जो मैंने लिखा वो सब आपको पहले से ही पता है, जो मैंने लिखा वो आपको पहले से ही पता है। अब मैं इस चीज को जो सिखा रहा था अभी अभी उसको यूज करता हूं। ये तो एजी और एचजी के तो ऑक्साइड स्टेबल नहीं होते हैं, ये तो टूट जाते हैं मेटल में और ऑक्सीजन गैस पैरामैग्नेटिक गैस दे देते हैं। मैं बात करता हूं पीबीओ टू, यहां पे पीबी प्लस फोर में है भाई साहब, पीबी प्लस फोर में है। होता क्या है, वो तुरंत पीबी प्लस टू में जाना चाहता है और ऑक्सीजन दे देता है। क्यों, प्लम्बस ऑक्साइड और सोल्ट आर मोर स्टेबल देन प्लम्बिक ऑक्साइड और सोल्ट। यस, कलर वगैरह याद करो या नहीं करो कोई जरूरी नहीं है। अभी पीपीओ दो तरह के क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में, लिथार्ज एंड मेसिकोट, दो तरह के रूप में, आप ये तो बाद की चीज है, पहले ये देख लो। अब मुझे बताओ PB3O4, इसको रेड लेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड लेड, लेड का ऑक्साइड है, लेड नहीं है पर रेड लेड बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर आप देखो तो इसमें मिक्स ऑक्साइड है, पीबीओ भी है और PBO2 भी है, तो ये तो टूटेगा नहीं, पहले से प्लस टू में है दो लेड, लेकिन इसमें जो प्लस फोर वाला है वो तो टूटेगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन देखो ऊपर वाली, तो दो पीबीओ तो पीबीओ की फॉर्म में रहेंगे, लेकिन तीसरा पीबीओ टू टूट जाएगा, आप जानते हो पीबीओ में प्लस ओ टू दे देगा। तो ये ओ टू किसकी वजह से आई, जो पीबी थ्री ओ फोर में पीबीओ टू छुपा हुआ है ना, इसकी रिएक्शन ऊपर वाली रिएक्शन ही है, ये मिक्स ऑक्साइड है, प्लम्बस और प्लम्बिक दोनों ऑक्साइड है इधर। कई बार पता है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, बताओ ये पर ऑक्साइड है क्या, अब बच्चे क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे O2 माइनस टू है और Pb प्लस टू है, जो कि गलत बात है, ये प्लम्बिक है, Pb प्लस फोर है और ये ऑक्साइड ही है, पर ऑक्साइड नहीं है ये। हाँ, जो पर ऑक्साइड होते हैं सब मैं लिखवा तो चुका हूं आपको, ये पर ऑक्साइड है, यस, क्योंकि बेरियम प्लस टू है तो O2 माइनस टू होगा, ये थोड़ी पर ऑक्साइड है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार आता है स्टेटमेंट, क्योंकि दिखने में ऐसा लगता है ना O2 लगता होगा परोक्साइड होगा, पर परोक्साइड जो है वो तो सब आपके नोटबुक में लिखे हुए और मिलेंगे नहीं। यस और नो, PB3O4 रेड लेड, PBO प्लस O2 में टूट जाएगा, आप समझ गए हो, ये रेड कलर का होता है रेड लेड, PBO2 ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन और रेड ये मिक्स ऑक्साइड है, दिस इज ए मिक्स ऑक्साइड, प्लम्बस प्लम्बिक,
दोनों ऑक्साइड मिक्स ऑक्साइड्स हैं आप लोग जानते हैं। तो इसका ऑक्साइड PbO2 इज ऑल्सो नॉट स्टेबल, इसके ऑक्साइड का हीटिंग इफेक्ट आपको पूछा जाता है, दैट इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड, इसका ऑक्साइड पूछा जाता है। ऑक्साइड मैं करवा चुका हूं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड। ओके, अब मुझे कुछ ऑक्सिलेट के हीटिंग इफेक्ट में करवा देता हूं एक बार, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सिलेट्स। हाँ, मिसलेनियस कुछ क्लोराइड की मैं बात कर लेता हूँ, लिख लो कुछ मिसलेनियस केसेस में क्लोराइड्स, उसमें मैं हाइड्रेटेड में जो स्पेशल केस मुझे लेने थे वो लिए नहीं उस टाइम पे, क्लोराइड्स पूरी तरह टूट जाए, HCl वगैरह बन जाए, उस तरह का डिकम्पोजिशन सिर्फ अमोनियम क्लोराइड में ही होता है, बाकी सब मेटल के क्लोराइड दूसरे मेटल के क्लोराइड में जाते हैं, डिकम्पोजिशन पे होता है पर सारे एक साथ चले जाएं वैसा नहीं होता, वो स्पेशल केसेस में हम कंसीडर करते हैं। तो क्लोराइड के स्पेशल केसेस, अमोनियम क्लोराइड तो पूरी तरह क्लोरीन एक तरफ चला जाता है सारा का सारा, पर बाकी जगह ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूं क्लोराइड्स का कुछ मिसलेनियस केसेस जो वहां कवर करने थे उनको मैं यहां कवर कर रहा हूं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं मर्क्यूरस क्लोराइड, इसको अगर हम हीट करते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है, Hg+2 है और Hg0 है और यहाँ Hg+1 है, मर्क्यूरस क्लोराइड, इसको हम कैलोमल भी बोलते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड ये +1 से +2 ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा हो, ये स्पेशल है एक क्लोराइड मर्क्यूरस का मर्क्यूरिक क्लोराइड में गया, ये एक क्लोराइड से दूसरे क्लोराइड का कन्वर्जन है थ्रू थर्मल डिकम्पोजिशन, पूरी तरह से अमोनियम क्लोराइड की तरह नहीं हुआ, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। मैं बात करूं फेरिक क्लोराइड भी कम स्टेबल होता है, इनफैक्ट वो फेरस क्लोराइड में चला जाएगा एक क्लोराइड दूसरे क्लोराइड में और Cl2, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुई और फ्लोरीन सॉरी आयरन रिड्यूस हुआ और क्लोरीन -1 से अगर जो Cl2 में गई है उसकी बात करूं तो ये तो डिसप्रोपोर्शनेशन है, विद इन मॉलिक्यूल हुई तो इंट्रा मॉलिक्यूलर भी का ही स्पेशल केस डिसप्रोपोर्शनेशन होता है इनफैक्ट। तीसरा मैं ऐसा ही एग्जांपल लूं कि एक क्लोराइड दूसरे क्लोराइड में मिसलेनियस केसेस, वो कॉपर क्लोराइड है Cu2Cl2+Cl2, कॉपर आयरन की तरह रिड्यूस हुआ, क्यूप्रिक क्यूप्रस में गया जिस तरह फेरिक फेरस में गया, लेकिन क्लोरीन तो ऑक्सीडाइज हुआ ना भाई, कुछ क्लोरीन एटम ऑक्सीडाइज हुए, ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है और ऊपर वाली इंट्रा और उसका स्पेशल केस डिस्प्रोपोर्शनेशन है, पर नीचे वाली को डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं बोला जा सकता, सिर्फ इंट्रा बोला जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो स्पेशल केसेस है क्यूप्रिक क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड में जाती है, फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में जाती है, लेकिन मर्क्यूरस क्लोराइड मर्क्यूरिक क्लोराइड प्लस Hg में जाता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन और ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है क्लोराइड के डिकम्पोजिशन में। अब मैं कुछ हाइड्रेटेड क्लोराइड लिखता हूं और वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हाइड्रेटेड क्लोराइड है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हाइड्रेटेड क्लोराइड्स के, लिख लो सम हाइड्रेटेड हीटिंग इफेक्ट ऑफ सम हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सम हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सम हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, ये नोट कर लिए होंगे आपने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सम हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सम हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, आज फिनिश ही कर देते हैं इसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सम हाइड्रेटेड क्लोराइड्स। तो इसके बाद और कितना बचा? बस इट इज अबाउट टू एंड, जो मैं छुटमुट चीजें वो कवर कर रहा हूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स मैं 2-3 पे टिक करवाऊंगा, वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इनमें हाइड्रोलिसिस हो जा रही है, बाद में बताऊंगा ड्यू टू कोवलेंट करेक्टर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, हाइड्रेटेड और क्रिस्टलाइन क्लोराइड्स, देखो इनमें हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू टू हाई कोवलेंट करेक्टर, पर इसमें मत जाओ अभी, सिर्फ हीटिंग इफेक्ट की रिएक्शन ध्यान रखो।
MgCl2.6H2O, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में ये हीटिंग इफेक्ट हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड का नहीं पूछा जाए। MgO प्लस HCl प्लस H2O, बैलेंसिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो तो जस्ट मैं सोच पा रहा हूं इसलिए मैं कर दे रहा हूं, ये तो रेसिड्यू है। MgCl2 इज रेसिड्यू, राइट। अब मैं बात करता हूं AlCl3.6H2O की और FeCl3.6H2O की। बैलेंस करने के लिए मुझे Al2O3 बनाना है क्योंकि एल्यूमिनियम प्लस थ्री में है, ये फेरिक है तो मुझे फेरिक का ऑक्साइड Fe2O3 बनाना है, इसलिए मुझे दो एल्यूमिनियम दो आयरन रिएक्टेंट साइड लेने थे। यहां पर भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, वही बन रहा है आपका HCl और H2O 4 हो जा रहा है। ऑक्साइड इज रेसिड्यू, ऑक्साइड इज रेसिड्यू, ऑक्साइड इज रेसिड्यू, तीनों में ऑक्साइड इज रेसिड्यू, तीनों क्लोराइड है। ये बहुत कॉमन पूछा जाएगा, ये पूछे जाएंगे। दो और लिख रहा हूं, ZnCl2 डाइहाइड्रेट, व्हाइट विट्रियोल, जिंक का तो सल्फेट की भी हीटिंग देखी थी हमने, स्टेनेस क्लोराइड डाइहाइड्रेट। यहां पर बेसिक ZnOHCl और SnOHCl, जरा ध्यान रखें दोनों का एक जैसा प्रोडक्ट है, इसलिए एक साथ भी लिख रहा हूं, दोनों का फॉर्मूला भी एक जैसा है। प्लस HCl प्लस H2O, ये तो फुर हो जाएगा, प्लस HCl प्लस H2O, ये तो फुर हो जाएगा। सभी में हाइड्रोलिसिस, यहां पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुई ZN और SnCl2 में, और यहां पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुई, हाइड्रोलिसिस यानी कि पूरी ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्साइड बन गई, पार्शियल हाइड्रोलिसिस H2O का OH आया तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस।